से दिल के तार तो जुड़े नहीं, तो रस्मों पे दौलत ये काहे बाहे, हम तो प्यार के ख्वाहिश में रिश्ते बुने, तो रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, घर आऊंगी जिसकी फितरत में है रत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन के मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेले चलूंगी किस्मत से जुड़े नहीं, तो रस्मों पे दौलत ये काहे बाहे, हम तो प्यार के ख्वाहिश में रिश्ते बुने, तो रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिस्सा प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया,
रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा
प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, पूछ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। आज तुमको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज अपन क्या स्पेशल कर रहे इस चैनल पे। हाँ गाइस, तो तुम लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि अपन आज क्या करने वाले हैं, मतलब आज क्या स्पेशल होने वाला है स्ट्रीम पे। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मेरी आवाज़ बताओ रे, मतलब मेरी आवाज़ तो आ रही है तुम लोग को? ओके ओके ओके, मैं करता हूँ। गुड आइडिया। तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले जितने भी लोग आए सबको, मेरा वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अभी एक बार चेक कर लो गाइस, मेरा साउंड ठीक है अभी? जो गाइस जो अपने भी गेस्ट आए, मैंने उनको फिलहाल डिसेबल रखा है, मतलब उनका कैमरा सिर्फ, तो जैसे ही वो होगा क्या बोलते हैं इंट्रो ख़त्म हो जाएगा, अपन सबको एक करके इनवाइट करेंगे। तो यस, सबसे पहले मैं छोटा सा चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है? एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या है? अरे अभी मेरा आवाज ठीक है क्या? कोई बताओ मुझे जल्दी, स्ट्रीम पे मेरा आवाज़ ठीक है क्या? मैं दिखूंगा ना तुमको कैमरे पे, क्योंकि मेरा कैमरा कहीं और एक्टिव है, तो बस मेरा साउंड बता दो कैसा आ रहा आवाज बराबर है? ओके थैंक यू गाइस। हैप्पी वुमेंस डे एक बार चैट में टाइप करके देखो, तो हैप्पी वुमेंस डे टाइप करो, एक्सक्लेमेशन मार्क वुमेंस डे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वुमेंस डे डालो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैप्पी वुमेंस डे डालो, दोनों भी चलेगा। ओके सो
तुम रेडी हो क्या? मुझे बताओ, हेलो, तुम दोनों रेडी हो क्या? ओके, सीनो रेडी? ओके, तो गाइस एक मिनट रुको, लाइव तो गाइस वेलकम बैक। थोड़े से टेक्निकलिटीज बचे हुए थे क्योंकि जो कि हुए नहीं मेरे, आज सबसे ज़्यादा टाइम मैंने लिया है। तो ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करेंगे, ठीक है? इन दोनों के साथ मैं इनेबल कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सीनू तेरा कैमरा सेलेक्ट कर, वेबकैम। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम आर फर्स्ट गेस्ट मिस रोशनी भामरे। ये से हाय। यस, थैंक यू। तो गाइज ये रोशनी जो है वो अभी एक MPSC एस्पायरेंट है, साथ ही साथ वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं BBA का। तो साथ ही साथ उनके बहुत सारे मतलब अदर एक्टिविटीज़ भी चलते रहते हैं। एक एक्टिव क्या कह सकते हैं हम, एक एक्टिव व्यूअर है हमारे चैनल के रेगुलर। ये क्या था? हेलो, मेरे मेरे चैनल से मेरे को ही बाहर फेंक दिया ये डिस्कॉर्ड? नहीं यार, अपना इंटरनेट स्लो है क्या आज अपन लोगों का? ओके, तो गाइज एक MPSC एस्पायरेंट है, ये इनका BBA का अंडर ग्रेजुएट कोर्स चल रहा है। तो ये अपने चैनल के भी बहुत एक्टिव वॉचर है। तो आज वुमेंस डे के स्पेशल एक ओकेजन पे हमने उनको इनवाइट किया। तो स्वागत है आपका रोशनी जी, बहुत बहुत कैसा लग रहा है? ओके, तारीफ करनी पड़ती शुरुआत में ना, बाद में फिर मैं करता हूँ अपने हिसाब से। सीन हो रहा है क्या? नहीं, एक काम कर, इधर एक बॉटम लेफ्ट में सेटिंग्स है ना, देख तेरा नाम आ रहा होगा, देख नीचे लेफ्ट में। हाँ, वहाँ पे वॉइस वीडियो, वॉइस एंड वीडियो होगा, वॉइस एंड वीडियो। हाँ वहाँ पे जा, मुझे भी देखना पड़ेगा ना। हाँ वॉइस एंड वीडियो में सबसे नीचे कैमरा है ना, उसमें अंदर लैपटॉप का कैमरा सेलेक्ट कर, कैमरा के ड्रॉप डाउन मेन्यू से। क्या क्या? और दूसरा नहीं आ रहा कोई है? अरे यार एक काम को, फोन से ज्वाइन कर ले, फोन से ज्वाइन कर ले। हाँ वो प्रॉब्लम दे रहा होगा एसिडिस का, सिर्फ आपको वैसे ऑडिबल है। अरे एक मिनट मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छे बोलते हैं ना उसको। हाँ तुमको ऑडिबल कर देता हूँ। ओके, सो गाइज जैसे मैंने बोला, रोशनी जी जो है वो अपने चैनल के एक रेगुलर वॉचर है, और वो फिलहाल जो है करंटली MPSC के लिए एक एस्पायरेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और BBA उनका अभी जो एजुकेशन है वो BBA फील्ड में हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत उनका स्ट्रीम पर रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा लग रहा है आपको स्ट्रीम पे? पहले आपके ऑडियो नहीं जा रही थी, अभी बताइए कैसा लग रहा है, फिर से बताइए, फिर से सुनना है हमको। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको हेलो मेरा, अच्छा और सब, हाँ सबकी मम्मियों को हैप्पी वुमेंस डे। अच्छा ठीक है, लड़कों को छोड़ के सबकी मम्मियों को, सबकी बहनों को, मतलब लड़के छोड़ के जितने हाँ भी वुमेन्स हैं सबको हैप्पी, हाँ उनको हैप्पी वुमेंस डे। यस सबको हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत बहुत मतलब एक स्पेशल दिन है आज तुम लोगों के लिए। एक बार सीनो आ जाए तो फिर मैं ये करूँ ना फटाफट, क्या बोलते हैं, एक बार ये आ जाए तो फिर मैं आगे की बातें कंटिन्यू कर सकता हूँ। तब तो मैं खाना खत्म कर लेता यार, ऑनलाइन बोलना। तुम्हारा खाना हो गया क्या? यार गाइज लड़कियां ना कभी भी ये नहीं होते ना, क्या बोलते हैं, मतलब सब फ्री टाइम नहीं होता इन लोग के पास, कभी कुछ ना कुछ कुछ चलता रहता है। अरे हेलो हेलो, फ्री इस बात ऐसी है, मेरी मम्मी मम्मी ने थंबनेल देखा और वो पूछ रहे थे जो मिडल में जो लड़की है वो कौन है। वो
तो मैंने वो हाँ इन्फ्लुएंसर है एक, उनका नाम पूजा है, वो एक इंस्टाग्राम यूजर है, सॉरी सॉरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जो बहुत ही जल्द अपने को ज्वाइन करने वाले। ठीक है। तो मम्मी बोल रहे थे वो माधुरी दीक्षित के जैसे दिख रहे हो। ओ भाई, उनके आने के बाद बोल रहा है बात, अच्छा लगेगा उनको, हाँ एकदम माधुरी दीक्षित गति बाजी बाई थी हाँ ना रहा हो गया क्या, तो क्या गाइस हुआ? मैं तुमको जैसे अपने 15 अगस्त 26 जनवरी का जैसा होता है सुनो, हेलो जल्दी ना आ गई क्या? हाँ, जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा होती है ना, एक शेड्यूल होता है क्या कार्यक्रम का किसी भी, तुम लोग को समझा देता हूँ। अपन शुरुआत करेंगे पहले एक इंट्रोडक्टरी राउंड से, ठीक है? बैक कैमरा चालू है, बैक कैमरा चालू है। हाँ, तो आई सुनो गाइस, लेट्स वेलकम आर सेकंड गेस्ट। इनका नाम है स्निग्धा जी, ये एक एंटरप्रेनर है, एक इनका फैशन सेगमेंट में क्या कहते हैं उसे, इंस्टाग्राम पेज राइट, जिसके ऊपर तुम तुम्हारा जो कस्टमाइज्ड, हाँ हेलो तो थोड़ा बताइए आपके जो स्टार्टअप है उसके बारे में हम सबको। मैं पहले बता देता हूँ, इनका नाम स्निग्धा जी है, ये हमारे बहुत खास दोस्त है। अभी इनके बारे में जो है, ये एक यंगेस्ट मतलब वन ऑफ द यंगस्टर्स जो है एंटरप्रेनरशिप करते हैं, उनका वन ऑफ देम है, ओ ये हिंदी में बोलता हूँ ना, उनमें से एक है। तो ये मुझे इतना खास आइडिया है ना इनके बिजनेस का, तो ये खुद बताएंगे, तो प्लीज स्निग्धा जी बताइए। एवरीवन। एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और मैं फैशन डिजाइनिंग भी कर रही हूँ अभी, तो कस्टमाइजेशन, एक्सेसरीज और लाइक वेडिंग प्लानिंग सब कुछ करती हूँ। जैसे भी मतलब जैसे लोगों के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उसके हिसाब से सब कुछ करके देती हूँ मैं। वाह वाह वाह, नाइस वन, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब एक नॉर्मल क्या कहते हैं उसे, मेन स्ट्रीम जगह से हट के कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। अब रोशनी जी, तुम्हारी तरफ आता हूँ मैं, तुम बताओ मुझे कि जो तुमने सोचा कि एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने, इसके पीछे तुम्हारा, नहीं कैमरा चालू रहने दीजिए, कंटिन्यू कैमरा चालू रहने दीजिए, अभी अभी अपन थोड़ा केबीसी खेलेंगे, उसके बाद हम मज़ा करेंगे। तो बताइए अपने करियर क्यों चुना है, मतलब एमपीएससी और फिर उससे पहले बीबीए क्यों, फिर एमपीएससी क्यों, ऐसा? बीबीए इसलिए कि वो प्लान बी था मेरा, ओके ओके कि अगर ये नहीं होता ये कर लेंगे ऐसा। ओके तो मतलब अगर तुमने 1-2 साल मेहनत कर लिया ना तो तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके, और बाद में मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ। और ये बेसिकली बताओ तो मेरे पापा की इच्छा है। ओके, और अगर समझो एमपीएससी आपने क्रैक कर लिया, आप किसी बड़ी पोस्ट पे चले गए, तो आपके क्या प्लान है, आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे अपने जो करंट जो स्टेट है उसके अंदर, आप क्या चाहेंगे कि आप ये चेंज होना चाहिए, या फिर मैं जब एज अ सीनियर पोस्ट पे अगर मैं जाऊंगी तो मैं ये देखना चाहूंगी, वैसा तो क्या है वो बताइए। मैं पहले तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाना चाहूंगी। जैसे कि जैसे मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं, वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है। अच्छे हैं, अच्छे हैं, ज्यादातर अच्छे ही है, पर थोड़े मतलब मेरे हिसाब से कुछ खामियां हैं जो पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत ही बढ़िया गाइस, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचा जा रहा है। मैं आई होप आपने जो चैट है वो लिटरेट है लिटरेट तो हो गए तुम लोग यहाँ पे जितना तो मतलब तुम आते हो, तो यस। तो सिंगदा जी, आपका जो गाइस, इनका नाम बहुत मुश्किल है, हम इनको सीनू बोलते हैं, सीनू ही बोलूंगा, तो सीनू बताइए आपका जो फिलहाल कोई करंट क्या डिजाइन कर रही है, या फिर क्या फिलहाल कौन से प्रोजेक्ट पे तुम्हारा काम चल रहा है, या कुछ आप अभी उसमें बता एक्चुअली सकते मेरा हैं, फैशन शो है कब है? नेक्स्ट वीक, ओके नेक्स्ट वीक है, नो 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 नेक्स्ट मंथ रहेगा, नेक्स्ट वीक तो ट्रायल रहेगा। तो ओके क्या किंसुगी पता है आप लोगों को? इट्स अ जापानीज आर्ट। ओके किंसुगी इज अ किन्सुगी जापानीज ओके आर्ट, हीलिंग आर्ट है कि कोई भी अगर पॉट हो या फिर कोई भी क्रॉकरी हो वो फूट जाती है तो वो लोग गोल्ड से उसको फिर से अटैच करते गोल्ड हैं। से, एक हाँ, बड़ी महंगी तो सर्जरी है उनका तो। कहना हाँ है, हाँ उनका कहना है कि एवरी ब्रोकन थिंग इज वैल्यूएबल, ओ अरे, ऐसे उनका अच्छा कहना कॉन्सेप्ट है है। हाँ, यार, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये तो। तो उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। वो हमारा थीम है, उसके ऊपर से हम लोग अभी हमारा कलेक्शन प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ। तो अभी फिलहाल तो उसका ही काम चल बहुत ही बढ़िया यार, मतलब ऐसा सोचना है इनका कि अगर कोई क्रॉकरी या कुछ भी हो जो अपन टूटने के बाद फेंक देते, है।
उसको अगर तुम गोल्ड से रिपेयर कर लो तो उसकी वैल्यू जो पहले थी उससे भी ज्यादा हो जाएगी और वो उससे भी ज्यादा इवन बढ़ वैल्यूएबल हो जाती जाएगा। यार नाइस कॉन्सेप्ट है, जापानीज लोग है। क्या सोचते हैं वे, बढ़िया। जापानीज तो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं मतलब सोचो ना, बहुत बढ़िया। सौरभ कुंडलवाल जॉर्ड बेयर, थैंक यू सर, गोल्ड दे दो, झगड़े हो गए तो तुम यार अपने कॉन्सेप्ट लेके आओगे। राइट रोशनी, सुपर थॉट, श्रीराम पावर, वेलकम टू रोशनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो देखो गाइज, इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट अपने को पता चल गया, तो अपन क्या करेंगे, आज अपन एक गेम भी खेलने वाले हैं। और जो अपन लोग मतलब देखो, ऐसा हम सबको पता है वुमेंस डे स्पेशल, ऐसा एक स्पेशल डे पे सेलिब्रेट किया जाए, ऐसा कोई मतलब फेस्टिवल नहीं है या ऐसा कोई ओकेजन नहीं है मेरे हिसाब से। देखो अगर मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, अभी मेरा टाइमिंग मुझे पता है, मैं सुबह बस 10 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँ, कब भी उठूँ, लेकिन मेरी माँ जो है, ठीक है, एज अ वुमन, एज अ मदर, वो कभी उसको छुट्टी नहीं होती है। अगर मेरा टाइम अगर समझो कभी 12 बजे उठने का है, 2 बजे उठने का है, किसी दिन मैं सुबह 6 बजे उठ भी उठ जाऊँ तो मेरे लिए वो मतलब अवेलेबल रहेंगे, मेरे लिए सब करेंगे, मेरी बहन है वो भी सेम है। तो गाइज मुझे बोलना है मतलब इस चीज़ पे कि अपन ना एक स्पेसिफिक दिन पे वुमेंस डे सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन ही नहीं है गाइज जो अपन इन लोग के बिना सेलिब्रेट मतलब देखेंगे। क्योंकि देखो मेरी मम्मी जब भी कभी किसी दिन गाँव जाती है, कुछ भी करती है, तुम दोनों को भी बता रहा हूँ, मेरी मैं ना जाच रहा स्कूल, तो तू जाना बिंदास, मैं संभाल लूंगा, मुझे याद नहीं आएगी तुझे, मुझे दोपहर को उसको फोन करना पड़ता है, मम्मी मेरा वो टी शर्ट किधर है, मुझे नहीं मिलता गाइज। बहुत इनकम्प्लीट लगता है, मतलब मदर्स डे, वुमेंस डे, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो अपन एक स्पेसिफिक ओकेजन के लिए नहीं रख सकते यार। तुम मैं बताओ कि लड़कियां जो है ना किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती। अब तुम लोग को भी पता है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लड़के नहीं कर पाते, नहीं सह पाते गाइस। अभी तुम लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन देखो मैं ना किसी जगह पर जॉब के लिए था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली वो जगह इतनी खास नहीं होगी काम करने के हिसाब से, लेकिन ना वहाँ का जो हमारा बॉस था ना, उसकी स्टोरी बता दो तुम लोग को, वुमेंस डे के रिलेटेड, इसलिए बताऊंगा। सुनना है जल्दी बताओ। यार ये क्या हो रहा है यार, डिस्कॉर्ड का क्या प्रॉब्लम है गाइस, क्यों मुझे बार बार। मैं विजिबल हूँ। ओपी ब्रो, अरे शुभम तिवारी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द स्ट्रीम, दिल को छू गए रे। अरे अभी तो स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी सुनने गाइस बताओ, बहुत ही मतलब बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, तुमको अच्छी लगेगी, सुननी है। हाँ जरूर। तो गाइस एक्चुअली जो मेरे जो बॉस थे ना, बॉस ही कह सकते हैं, मैं उनके साथ ना बाहर गया था, ठीक है, हमें कुछ चीज़ें ऑफिस के जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है ना वो लाने थे। तो जब हम बाहर गए ना, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अभी नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं है। तो बोले तेरी एज क्या है? मैंने कहा अभी मैं 23 24 का हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा अरे चल तेरे पास तो काफ़ी टाइम है, बोले अभी तू टाइम है तेरे पास, तू कर सकता है। मैंने बोला किस चीज़ के लिए? बोले तेरे पास अभी प्यार में पड़ने के लिए टाइम है, बोले काफ़ी, मतलब तू प्यार में पड़ के वो हार्ट ब्रेक सहन करके, तो अगर तेरे उससे शादी होना हो, तेरी जो आगे की लाइफ है उसके लिए तू प्रिपेयर हो सकता है। मैंने बोला यार मेरे को तो अभी फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुझे नहीं होगी, बोले लेकिन वो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर कैसे पहचाने अगर अपने को सच्चा प्यार होता है किसी से, ठीक है, या फिर कैसे पहचाने कि शी इज़ द राइट वन। उन्होंने मुझसे बोला कि तेरे मम्मी पापा एक घर में रहते। मैंने कहा रहते? बोले अगर कभी तेरे मम्मी जो है वो तेरे पापा से अगर साड़ी मांगती है, तो और तेरे पापा 100% ट्राई करेंगे वो साड़ी ला के दे, अगर वो नहीं लाए तो क्या? कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे घर में झगड़े हो गए, मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दी, या तुम्हारा घर का काम उस दिन ठीक से नहीं हुआ, तेरे घर पे खाना नहीं बना ढंग से उस दिन, ऐसा कभी हुआ है क्या? सीनू अटक गई क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कभी होता है क्या कि एक साड़ी की वजह से तुम्हारे घर में इतने कलेश हो गए? मैंने कहा नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोला मम्मी समझदार है। बोले मम्मी समझदार है, लेकिन मम्मी समझदार इसलिए क्योंकि मम्मी औरत है। गाइस उस आदमी ने मुझे एक बात ऐसी बताई कि औरत जैसी समझदारी और औरत जैसा प्यार एक इंसान, एक मर्द कभी भी नहीं कर सकता। गाइस जो मेल ऑडियंस है प्लीज मतलब इस बात को प्यार से लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्योंकि ना ये बहुत मतलब रियल चीज़ है यार। मतलब देखो कि उस सर ने मुझे बोला कि जैसा प्यार और जैसा अंडरस्टैंडिंग एक औरत में होता है ना, एक इंसान में कभी नहीं आता, एक मर्द में कभी नहीं आता।
कि अगर समझो किसी मर्द के पास 5,000 रुपये अगर जेब में है और उससे कोई वो 5,000 मांगे, तो बोलेगा नहीं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसके पास भले ही उस पैसे की ज़रूरत ना हो उस टाइम पे, वो सोचेगा मुझे फ्यूचर में काम में आएंगे, ठीक है। अगर वो पैसे शायद मम्मी भी मांग ले तो पापा उसमें के आधे पैसे अगर कुछ पार्ट वो देंगे, लेकिन अगर मम्मी के पास 5,000 है और पापा को अगर ज़रूरत है कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे चाहिए, तो बिना आगे पीछे का सोचे मम्मी वो पैसा पापा को देगी, देगी नहीं देगी गाइस, तुम लोग बताओ, तुम भी बताओ, तुम दोनों को ही पूछ रहा हूँ मैं। देख अगर तुम पे ऐसी सिचुएशन है कि तुमको पैसे देना पड़े तो तुम दोगे नहीं दोगे? तो देंगे, बिल्कुल देंगे। गाइज ये जो बात है ना, ये मुझे मतलब उस दिन रियलिस्टिक लगी, रिलेटेबल लगी, इसलिए उस दिन से ना मतलब मेरा ना इस चीजों को सोचने का तरीका ही बदल गया। अपन ना बहुत अंडररेट करते हैं इन चीजों को कि मतलब ठीक ही है, क्या मतलब स्पेशल क्या है, हो जाएगा, देख लेंगे, इतना क्या है, मतलब वुमेंस डे तो है। कुछ कुछ लोग तो इस बात से भी ट्रिगर होते कि मेंस डे क्यों नहीं है, मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है, होना चाहिए, बट वुमेंस डे पे स्टॉप गेटिंग ट्रिगर्ड। ओके चलो कौन बोल रहे हैं? गाइस चलो भाई, मर्द की इज्जत है नहीं भाई, भाई छोड़ दो भाई, अबे है रे, मर्दों की इज्जत बहुत ज्यादा है। देखो मैंने बोला ना ट्रिगर मत हो ना, इस चीज को अंडरस्टैंडिंग ले लो। एक बात मैं बोलना हाँ चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज कि मर्द है इसलिए औरत की इज्जत है। गाइस, अरे यार वाह, यार नाइस प्लीज नाइस गिव नाइस इट अप फॉर इट, गिव इट अप फॉर यार, ये बहुत मतलब अच्छी बात बोली है। गाइस देखो जो वो लोग बोल रहे थे ना कि ऐसी बात, देखो यार एक औरत की सोचिए है कि क्या बोला आपने, फिर से बोली, मर्द है इसलिए औरत की इज्जत एग्जैक्टली। तो ये स्टोरी थी छोटी सी, इस वजह से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वुमेन्स डे की तरफ देखने का वो मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि देखो गाइस सब में एक बचपना होता है, सब एक टाइम तक नहीं समझ पाते चीज़ों को, लेकिन एक बार समझ गया तो ऐसा है, पसंद आ गया भाई, अरे यस बिल्कुल। तो अभी अपन एक काम करते हैं, ठीक है, अपन हैप्पी वुमेन्स डे, अरे सेम टू सबको। देखो गाइस अभी ये जो एक जोक हुआ था ना स्कूल में, मैंने उस लड़के को वुमेन्स डे विश कर दिया, कॉमेडी हो गई, नहीं है वैसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को विश हाँ, कर सकते हो। काफी लड़कियां तो लड़कों को सेम टू यू बोल हाँ देती लड़कियां भी लड़कों को मजाक में, हाँ सेम टू यू जॉड बे, यस यस। तो गाइस देखो आज यहाँ पे जितने भी मर्द है जितने भी औरतें, सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। एक आज बहुत स्पेशल दिन है, तो इस स्पेशल दिन को हम और स्पेशल बनाने के लिए अपने कुछ गेस्ट बाकी है जो जल्दी जुड़ेंगे अपने साथ, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ तो गाइस अपन अभी एक क्या करेंगे, एक छोटा सा क्यू एन ए रखेंगे, उसमें तुम लोग मतलब लड़के या लड़की हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो इन दोनों से तो तुम पूछ सकते हो, और अगर तुम लोग जो मतलब सीन और रोशनी, तुम लोगों को अगर कोई चीज़ खुद से बतानी हो कि जो चीज़ तुमको मतलब जैसे कि किसी एग्जाम में रोशनी तुमको एक चैलेंज आते हैं, तुमको तुम्हारे स्टार्टअप में क्या चैलेंजेस आए, या फिर एक नॉर्मल दिन किसी लड़की का कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, ये जो दो चीजें इसके ऊपर तुम लोग बता सकते हो। और गाइस तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होगा जो तुम इन लोग से पूछ सकते हो, एक आज ओपन स्टेज है सबके लिए, तो यस प्लीज गो अहेड। तो कोई कौन स्टार्ट करेगा दोनों में आज से? आज आज लड़कों को चांस देंगे। लड़कों को चांस देना है। यस गाइस हाँ, बताओ तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है क्या, कि मतलब तुम जो पूछा जाओगे। एक क्वेश्चन है कि आई फील हर मैन, मैं एक औरत है, आई फील हर मैन में एक औरत होती है, सो वॉट डू यू थिंक अबाउट इट। तुम दोनों के लिए सवाल है कि तो लगता है कि हर इंसान में हर मर्द में एक औरत होती है, उसके लिए दोनों इसके ऊपर तुम क्या बोलना चाहोगे, बारी बारी बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले कौन बोलना चाहेगा? ठीक है मैं बोलू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस, कोई भी मर्द हो तो उसपे सारे संस्कार उसकी माँ के रहते हैं, बिल्कुल, तो उसकी माँ का रूप भी वो मर्द में आता ही है, उस वजह से एक हर मर्द में एक औरत होती है। चलो औरत भी होती है। नाइस, सुन बहुत अच्छा थॉट था, बहुत ही अच्छा थॉट था। रोशनी जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे, ये बात सच है झूठ नहीं, है, क्या किसी ने आपको फैलाई है? सच हाँ है। हाँ, हर मर्द उनकी एक पर्सनैलिटी तो नहीं, सख्त है, सख्त लौंडा, बिल्कुल और बिल्कुल रोते तो मर्द नहीं रोते वगैरह वगैरह, ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। और वो भी काइंड होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उनको भी समझ लेना चाहिए, और इसलिए हर मर्द में छोटी सी औरत होती होती है। है। हाँ यस गाइस, ये तुम्हारे जो क्वेश्चन था उसका एक आंसर है, मैं
मैं दूंगा नहीं, क्योंकि देखो तुम ये औरत एक अगर एक प्रॉपर एक टिपिकल लड़की है, एक टिपिकल औरत इस बात का जवाब दे तो ज्यादा लेजिट होगा। तो तुम्हारा सवाल है स्वरूप कुंडोलाल ब्रो, एक बात बोलो। हाँ प्लीज प्लीज स्वरूप भाई बोलिए, क्या बोल रहे हो? आने दो रे यार, तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चंस हो गए ना, बस एक डिसेंसी मैनेज रखो, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे, जरूरी है लड़की हो, लड़कियों को भी अगर कोई सवाल हो इनसे पूछने के लिए तुम बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखो आज एक मतलब देखो बहुत सी चीजें होती है कि तुम्हारे बहुत से लड़के जिनके फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगी, ये दोनों को दोस्त समझो, तुम बिल्कुल तुम बोल सकते हो, बिल्कुल तुम्हारा कोई भी सवाल होगा तो तुम कर सकते हो। तब तक मेरे कुछ सवाल है, मैं ही पूछ लेता हूँ, है ना? तुम लोग अपने तब तक प्रिपेयर करो। मेरा तुम दोनों से एक सवाल है, जैसे कि अभी देखो हम एक बहुत वर्ड अभी फिलहाल जो है वो क्या बोलते हैं, हम ट्रेंड में आ रहा है, जिसको फेमिनिज्म कहते हैं। तो तुम क्या बोलते हो कि फेमिनिज्म, तुम दोनों के हिसाब से फेमिनिज्म के मुझे वो बताओ, फिर बाद में मेरा सवाल पूछूंगा, कोई भी पहले बोल सकता है। बस ये सब मतलब इक्वेलिटी की बातें आती है फेमिनिज्म, मतलब बोला तो मैं ना लड़कियों का एक मतलब थोड़ा सा क्या बोलते गलती बताना चाहूंगी। उनको क्या लगता है कि हमको बराबरी का चांस देना चाहिए, सब बराबरी का होना चाहिए। तो लड़कियां क्या करती है, समझो जाती है किसी के साथ लड़, तो उनको ऐसा लगता है बिल लड़कों ने पे करना चाहिए। तो ओके यहाँ पे भी बराबरी आनी चाहिए। तो लड़कियों समझो कि तुम जो मतलब क्या बोलते इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओ, और ये जो सब जो बातें हैं, तो इक्वेलिटी अगर एक साइड यहाँ पे है कि तुमको चाहिए तो तुम यहाँ पे भी देना चाहिए तुमने। ओके हाँ, बराबरी से तुमने उनके साथ मतलब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नाइस नाइस नाइस, बहुत सही। तो तुम्हारे हिसाब से फेमिनिज्म के डेफिनेशन क्या है? मतलब एक फेमिनिज्म जो जो मतलब बहुत सी लड़कियां ना ऐसा प्राउड करती है कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि फेमिनिज्म की जो प्रॉपर डेफिनेशन है शायद मेरे सबसे अलग हो, तुम्हारे सबसे अलग हो। तो सिनु तुम बताओ कि फेमिनिज्म की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट रहना, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना। या फिर कुछ लड़के ऐसे होते कि बाबा शादी के पहले पापा पे डिपेंड होगी, शादी के बाद में हस्बैंड पे डिपेंड होंगी। ऐसे नहीं होता है, जो होता है वो अपने खुद का होता है। जिंदगी में कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए खुद को पोसने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए। और जो लड़कियां बोलती है कि इक्वेलिटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो भाई तुम भी तो कुछ करो। तुम लोगों को इक्वेलिटी भी चाहिए, और पेट्रोल भरने के टाइम पे तुमको तुम्हारी गाड़ी सामने भी लेके जाने की है। बराबर, यही मैं ऐसे यही थोड़ी कहना नाइस चाहती थी, यही एग्जांपल, कहना नाइस चाहती थी। एग्जांपल, यस यस यही। गुड वन गुड वन। एक मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, अजय बाउला सोडून बाकी ना महिला दिनांचे हार्दिक शुभेच्छा। ठीक है भाई, थैंक यू रोहन यादव भाई, मैं भी विशेष एक्सेप्ट करना चाहूंगा सबको, हैप्पी वीमेंस डे। रोहन भाई आज ने, रोहन भाई ने काफी डिसेंट एंट्री लिया, आजा अगर तुम लोग नोटिस करो तो। स्वरूप भाई की तरफ से आया, ब्रो अपनी इज्जत की बात आती तो बंदा इजी लेता, और अगर बात अपने फैमिली मम्मी या फीमेल फ्रेंड कोई भी हो तो उनके इज्जत की आती है ना, बस खत्म। बंदे को चेंज होने को और गेम करने को टाइम नहीं लगता। हाँ गाइस एग्जैक्टली, देखो अभी देखो ऐसा है कि फिलहाल अपन जो लोग हैं, ठीक है, अपने कोई फीमेल फ्रेंड्स होती है, अपने दोस्त होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड होती है, बहन होती है, तो उनके लिए अपन ऑब्वियसली स्टैंड लेंगे, क्योंकि जैसे मतलब पहले जमाने में वो करता था, बहुत से अपने जो थी क्या बोलते हैं उनको हम, रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर, ये मतलब ये देखो इनको ना मतलब सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि उनको मतलब मेल सपोर्ट नहीं होगा, बट उन्होंने खुद से अपना जो फाइट है वो मारा है। बट अभी देखो अभी के जो है लड़के, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मतलब वो नाजुक है या डिपेंडेंट है, बट गाइज अभी जैसे मतलब टाइम चेंज होता है ना, वैसे लोग भी चेंज होते हैं, लोगों का स्वभाव भी चेंज होता है। इसलिए मतलब तुम्हारी मतलब सिस्टर हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, अगर उनके इज्जत पे अगर बात है तो तुमको फाइट मारने पड़ेगा। सौरभ भाई और मतलब एब्सोल्युट राइट अबाउट दैट, थैंक यू तुम्हारा सजेशन रखने के लिए। हाँ तो गाइज मेरा भी मतलब, हाँ तो अभी अभी ये बात आती है कि जैसे कि अपन देख सकते हो, मैं तुम दोनों को मतलब ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी से समझो अगर अपन 5 या 7 साल अगर पीछे जाए, तो शायद तुम लोग स्कूल स्कूल में हो गए राइट, या फिर न्यूली कॉलेज ज्वाइन किया होगा, तो क्या हाँ
क्या फर्क लगता है तुमको तब के लड़कियों के बाहर निकलने में और अभी के लड़कियों के बाहर निकलने में? बहुत डिफरेंस है, मतलब विजिबल डिफरेंस है? हाँ हाँ डिफरेंस तो है। आसान हो गया, मुश्किल हो गया? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब 5-6 साल पहले भी, मतलब अभी ना कैसा है कि हम पूरे मॉडर्न भी नहीं है और पूरे पिछड़े हुए भी नहीं है। हाँ, ये अभी 10 साल का जो पीरियड है, अभी पिछले 5 साल और आगे के 5 साल। हाँ। तो मेरे हिसाब से कुछ फैमिलीज है जो बहुत कंजर्वेटिव है और कुछ है जो बहुत फ्री लग रखती है लड़कियों को, तो थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, पर बाकी मुझे तो नहीं लगता कुछ है। अच्छा, और सिनु तुम बताओ, तुमको क्या डिफरेंस लगता है? मुझे लगता है कि फैमिली थोड़ा सा मतलब मॉडर्न होने का ट्राई कर रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रही, कर रही है, पर जो बाहर की दुनिया है वो वर्स्ट होते जा रही है, और फैमिलीज का मतलब फ्रीडम देने के लिए ट्राई कर रही है फैमिलीज की, भाई लड़कियों को थोड़ा सा फ्रीडम देंगे वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, या फिर एजुकेशन के बारे में भी कुछ होता। पहले ऐसे था कि भाई लड़की है तो बीए बीएससी बीएड इतना कर लो, घर पे बैठ जाओ। अभी अनदर स्ट्रीम कोई ज्वाइन करना है तो घर वाले भी सपोर्ट करते कि ठीक है कर कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते, बराबर। पर जो बाहर की दुनिया है वो वर्स्ट होते जा रही है दिन ब दिन, ऐसे मुझे लगता है कि राइट, किसी मतलब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बाहर। राइट। वैसे देखो, यहाँ हम देख सकते हैं कि मतलब एक सेम एज ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं उनका भी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर पर्सपेक्टिव कैसा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। कि आवाज दे रहे हैं? हाँ। तो ये जो चीजें कैसे अफेक्ट करती है अपन लोगों को समझ रहा है। जनरेशन गैप भाई बहुत फास्ट फॉरवर्ड है भाई। हाँ हाँ, जनरेशन गैप तो है भाई। मतलब जनरेशन गैप अगर देखा जाए ना, तो फिर भी देखो जैसे मतलब मॉडर्नाइज हो चुके ना चीज़ें, जैसे सबके पास मोबाइल फोन्स आ गए, सबके पास इंटरनेट इजीली अवेलेबल होने लगा। यार मैं एक बार बैठ जाता हूँ ना ढंग से, क्योंकि ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू तो मतलब है वैसे, बट मैं ऐसे बैठता हूँ मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देखो गाइस, ऐसा नहीं कि मतलब हर एक इंसान या हर एक लड़की अपने हिसाब से मतलब एक ही सोच रखती है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका अलग है। तो ऐसा नहीं, तो मेरा मतलब एक सवाल मतलब एक और अपन लेंगे, ठीक है, फिर देखते जो ये करंट, आई थिंक कोई क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूँ। जो ये करंट यूथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अगर वुमेन्स या उनके पार्टनर्स को इक्वल समझे या हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट दे, तो फेमिनिज्म की कोई जरूरत नहीं महसूस होगी, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं सवाल रिपीट करूँ क्या? सीनू कोई टेक्निकल एरर है क्या? अच्छा सवाल आया है, अपन इसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक मैं ना कुछ थोड़ा सा खा लेता हूँ। हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है, इस स्ट्रीम को तुम अपने फैमिली के साथ, अपने जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग हैं, जरूरत नहीं किसी के पास भी भेजो यार। आज ना अपन एक कोशिश ऐसी छोटी सी करेंगे कि अपन ना जो गैप है ना यार, मतलब दो जेंडर्स के बीच का, कि हम नहीं बताएंगे, हम नहीं पूछेंगे, हम बात नहीं करेंगे, वो हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्ट्रीम को ना तुम शेयर कर दो सबके साथ, ठीक है? तो मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीनू रोशनी प्लीज दे सब डांस पार्ट्स मत सुनना। जो ये करंट यूथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अगर वुमेन्स या उनके पार्टनर्स को इक्वल समझे, ठीक है, उनको इक्वल समझे या हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट दे, तो फेमिनिज्म की कोई जरूरत नहीं होगी। तो क्या लगता है इस बारे में, मतलब उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी फेमिनिज्म की, अगर दोनों अपने आप को आपस में इक्वली कोई भी डिसीजन लेने के अगर मतलब चांस दे दे या फिर पार्टिसिपेट करवाए, तो क्या लगता है तुमको इस बारे में? जस्ट आस्किंग। सही है कि दोनों ने अगर एक दूसरे को किया है, सपोर्ट किया है, एक दूसरे की सुन रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अपनी मतलब मेंटेलिटी या फिर सोसाइटी ऐसे है ना, तो अगर बंदा जॉब पे जा रहा है तो बंदी घर पे खाना बनाएगी, पर ऐसे नहीं होता कि अगर बंदी जॉब पे जा रही है तो बंदा घर पे खाना बनाएगा, ये बहुत कम जगह पे होता है, या फिर अगर दोनों भी जॉब कर रहे हैं तो भी बंदी घर पे आके खाना बनाएगी, बंदी घर पे आके काम करेगी, पर वही जगह पे अगर बंदे को कहा जाए कि तू ऐसे कर तू ऐसे कर, तो बंदा डिनाई कर देगा कि नहीं भाई मैं तो थक गया, मैं जॉब करके आया, तो ऐसे बोलने के लिए, तो
हाउसहोल्ड चीजें भी कर रही है बंदी, तो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए कि हाँ तू कर रही है, वो भी जॉब के बराबर ही है। एग्जैक्टली किरण भाई, देखो फेमिनिज्म की ना एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या डेफिनेशन है मैं तुमको बताता हूँ यार। इसकी ज़रूरत और ज़रूरत ना होना, ये दोनों चीज़ें शायद मुझे इतने मैटर नहीं करते, बट तुमको बोलता हूँ फेमिनिज्म मेरे हिसाब से क्यों आया और डेफिनेशन क्यों, क्या डेफिनेशन हो मेरे हिसाब से, मतलब मैं तुम लोग का जो है वो क्या बोलते हैं ये नहीं करूँगा डिसरिस्पेक्ट या फिर कुछ, बस मैं क्या सोचता हूँ बताता हूँ। देखो मिसोजिनी होती है, ठीक है, जो फेमिनिज्म है ना, और मतलब जो औरत या लड़कियाँ थी, जिसको फेमिनिज्म वर्ड है, जैसे मर्द अपनी मर्दानगी या फिर डोमिनेशन जो भी हो अपना मी पाना समझना, उसको इंग्लिश में वर्ड है मिसोजिनी, ठीक है। फेमिनिज्म मेरे हिसाब से क्या है कि देखो बहुत सी बार ना ग्रांटेड तो नहीं बोल सकते, कंसिडर कर लेते अपन लोग कि अभी समझो मैंने शादी की है, ठीक है, मेरी वाइफ है वो एजुकेटेड है, ऐसा भी नहीं कि मतलब वो बहुत मास्टर्स या उसने कुछ किया होगा, बेसिक उसके पास एक ग्रेजुएट डिग्री है जिससे उसको एक जॉब मिल सकता है, ठीक है, एक प्रॉपर जॉब वो ले सकती है। लेकिन अगर मैं या मेरी फैमिली ऐसा सोचे कि जॉब क्या एंट्री लेवल करेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, एंट्री लेवल जॉब मतलब छोटा जॉब करेगी, 8-10 हज़ार रुपये कमाएगी, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे अच्छा घर पर रहे, तू जो कमाएगा उसमें से खाए पिए और बस खुश रहे। तो फेमिनिज्म इसलिए मतलब आया आया होगा कि बाबा जो अपन कंसिडर कर रहे चीज़ों को, यार हमको वीक क्यों समझा जा रहा है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही। अभी बस छोटे जॉब की बात कर रहे हो, अभी तुम लोग अगर बड़े पोस्ट पे जाओ ना, तो किसी भी मतलब एमएनसी में, किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखोगे कि मतलब औरतें और मर्द एक सेम प्लेटफॉर्म पे या सेम पोजीशंस पे काम करते हैं। तो जहाँ पे मतलब औरतों को महसूस हुआ कि यार तुम अब पीछे जाओ ना, मतलब ट्विटर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना अपन, औरतें हंसेंगी पता, अगर तुम उनको फेमिनिज्म के बारे में बताओगे तो लिटरल हंसेगी, चाहे वो गांव की तो पहले हंसेगी, लेकिन शहर की भी जो औरतें ना जिन्होंने जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको पता नहीं इंटरनेट क्या है, वो हंसेंगी फेमिनिज्म पे, ऐसा हो रहा है कि हमको तो जूते पड़ेंगे, हमको तो मार पड़ेगी। ये चीज़ जब समझ आई ना, तब इन्होंने अपना स्ट्रांग पॉइंट रखने के लिए मेरे हिसाब से फेमिनिज्म है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए प्लीज। लगता है तुम लोग को ये रीज़न हो सकता है? कि मतलब औरतें हाँ मतलब फेमिनिज्म उतनी क्यों आया उस चीज के लिए? वो मतलब आपका कहना ऐसा है कि वो एजुकेटेड नहीं उस बारे में, इसलिए वो मतलब मानेंगी नहीं। अगर उनको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो वीक है, वो नहीं कर सकते, हाँ तो फिर जाके उनको लगा कि हमारा पॉइंट रखने के लिए या फिर हमारा जो है अस्तित्व रखने के लिए हमको एक चीज चाहिए, और उसका हम बहुत स्ट्रांगली उसको हम सपोर्ट करेंगे, उस वजह से फेमिनिज्म आया। ये चीज तुमको करेक्ट लग रही है, रॉन्ग लग रही है? मतलब मेरे हिसाब से तो ये नहीं, वो कैसा है कि मतलब जो सोसाइटी है वो लड़कियों को थोड़ा ये रखती है, दबा के रखती है। तो जब मतलब और अगर हम मतलब लड़कियां सब एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो बात आ जाती कि तुम नहीं कर पाएंगे, तुम क्यों बाहर जा रहे हैं, और अगर कोई मना करे ना तो ज्यादा मतलब उस चीज का बुरा लगता है कि सही चीज है, सब कर रहे हैं, सब लड़कियां कर रहे हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं कर रही है। और वो मना करते तो उसी चिड़ की वजह से फेमिनिज्म टॉपिक आया है ऊपर। हाँ बस हो सकता है। तो क्या मतलब इस डेफिनेशन का अपन करेक्ट बोल सकते हैं? क्या लगता है तुमको? हाँ बोल भी सकते हैं, ऐसे भी लगता है। मतलब मैंने पहले, पर हाँ अगर बोलो बोलो बोलो। सोचा तो पहले जो राजा महाराजा था, महाराजा थे सारे, लाइक अभी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजा माता थे, तो उनके टाइम पे वैसे कुछ नहीं था। वो भी वॉर के लिए जाते थे, वो हाँ भी हाँ लड़ते हाँ हाँ थे, तो हाँ हाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से फेमिनिज्म आया है। फेमिनिज्म है पर लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है इसको हाँ बीच बीच इसलिए मैंने बोला कि अगर अपन ट्विटर के पीछे जाए ना, तो ये लोग हंसेंगे इस चीज़ पे, ये क्या हुआ, इसलिए मैंने ये बात बोली। एक आई थिंक एक और क्वेश्चन आया है कि पहले आई थिंक सवाल है, और जनरेशन गैप जो है मतलब लोग मतलब जस्ट लोगों की पुरानी सोच उसको किस तरह से नई यूथ के साथ कंबाइन कर सकते, मतलब जनरेशन गैप, मैं तुमको मतलब ये सवाल मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ, मुझे समझ गया है कि सबसे छोटी सी बात ले लेते हैं, लड़कियों का एजुकेशन अभी बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बट स्टिल बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे ना नहीं समझ जा जाता, 10th हो गया वो भी मुश्किल से हुआ, अब इसकी शादी करवा दो, ठीक है। ये जनरेशन गैप क्यों है? क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा या फिर दादा दादी, इनके टाइम में शादी कब किस उम्र में हो गई,
बारह पंद्रह चौदह बीस के अंदर ही, बीस के भी अंदर ही, अठारह के भी अंदर। तो इस चीज को अगर अपने को कंबाइन करना हो करंट सिचुएशन से, या फिर मतलब इस चीज के लिए अपने को थोड़ा क्या बोल सकते हैं अपन, अलर्ट करना, अलर्ट नहीं यार क्या वर्ड आएगा उसके लिए, मतलब अगर इस चीज को हमें कैंसिल करवाना चाहते हैं अपन, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तुम्हें सोचो, तब तक मैं देखता हूँ। तो तुम लोग इसके बारे में अगर कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो तो बोल दो। सवाल तुम लोग को समझ गया कि जनरेशन गैप किस तरह से अफेक्ट कर रहा है फिलहाल करंट जनरेशन को, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे तो? सीनू अच्छा है ना, ठीक है, ओके ओके। तो एक है, एक और सवाल है, माझ्या डोक्यात पण क्वेश्चन होते पण ते रिलेशनशिप बद्दल आहेत म्हणून राहू दे विचारायचे। रोहन जाधव भाई कोई प्रॉब्लेम नाही आहे, डिसेन्सी रखो किसी भी क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लेम नाही आहे। तुम रिलेशनशिप रिलेटेड पूछो, हेल्थ रिलेटेड पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें हेल्थ से भी कुछ इश्यूज है, मतलब भाई बहुत सी बात है यार, मतलब फीमेल हेल्थ जो है ना वो इंडिया में ऑलमोस्ट टैबू समझा जाता है, एग्री और नॉट? एग्री करते तुम लोग? हाँ, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है बस एक डिसेंसी रखो, पूछो और कोई भी सवाल पूछो, रिलेशनशिप हो, तुम्हारे पर्सनल झगड़े हो, कुछ भी तुम बिंदास पूछ सकते हो, क्योंकि लड़कियां तुम जिस जैसे जवाब देगी ना वो शायद तुमको मिलेगा किसी और से, तुम पूछ सकते हो बिल्कुल। एक और आगे है कि और उनकी सोच को ना बदलते हुए या उनके भी मोरल्स की रिस्पेक्ट करते करके आने वाले फ्यूचर में जो भी चेंजेस रहेंगे इक्वल राइट्स में मेरे, वो उससे कैसे स्टैंड करें? ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है एक्चुअली। ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर जो जनरेशन गैप अपना है उनसे अगर अपन उनके थिंकिंग को ना बदलते हुए आगे जो भी मॉडर्नाइजेशन होगा उसके साथ अपन कैसे मैचअप करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है, मतलब मैं सबके पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स को भी सॉरी बोलना चाहूंगी, पर वो थोड़े स्टबर्न है, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। हाँ, तो हाँ, तो मतलब उनका ऐसा है कि नहीं हमने ऐसा बोला तो तूने ऐसा ही करना चाहिए, ये वो। फिर भी अभी भी अगर तुम प्यार से समझाओ, मैं भी काफी बार मुझे समझाना पड़ता है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो प्यार से समझाने के बाद वो मानते हैं। उनको समझाओ, उनके उनको मेरिट्स डिमेरिट्स बताओ, फिर उनके बाद वो समझेंगे, प्यार से समझाओ और वो जनरेशन गैप है जो कम हो जाएगा। हाँ गाइस, देखो उनकी उम्र तो कम होने से रही, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम ये जो बात कर रहे हो ना, क्या बोल रहे थे अपन, हाँ जनरेशन गैप की वगैरह, तो देखो गाइज, जैसे रोशनी ने बोला कि तुम फैमिली को जैसे समझाओ बताओ, तो इसको बताने का सिंपल तरीका है। अगर मैं समझो, मैंने देखो गाइज, मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे शर्म तो इस चीज़ की, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, मैं भी बीबीए कर रहा हूँ इंजीनियरिंग छोड़ के, लेकिन गाइज मैंने जब भी मेरे फैमिली को मतलब कि कोई चीज़ बताई नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, और इस बात को ना मैं कभी भी कैसे भी मतलब विदाउट एनी हेजिटेंस मैं बोल सकता हूँ। मेरे भी साथ वही है, हाँ। कि मेरे फैमिली ने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं है, मुझे जो करना है कर, बस सेफ रहे, खुद की केयर कर, दुनिया से बच के रहे, और जो करने का है कर, कभी मुझे किसी चीज के लिए उन्होंने रोका नहीं है। या फिर लेट नाइट बाहर रुकने का है कुछ है, तो ऐसे नहीं कि 6 के पहले तूने घर पे आना है, 7 के पहले तूने घर पे आना है, ठीक है 9-10 बजे आ, पर खुद की केयर खुद कर, सेफ रहे, और कुछ नहीं चाहिए उनको। वो कम्प्लीटली ट्रस्ट करते है कि तू जो भी कर रही है सही कर रही है, हमें पता है। बिल्कुल जी जी, बात सेफ्टी की आती है पहले तो। बस बहुत से गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पूजा सुनो, पूजा जी मैंने आपको एक लिंक दे दिया है सर्वर की, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए नेटवर्क। हाँ श्योर श्योर श्योर, आपको व्हाट्सएप पे लिंक दिए गए, आप उसके ऊपर क्लिक करके सर्वर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकती है। यह ऐप तो आपके पास हो गया, फिर डाउनलोड कर लीजिए, वी आर वेटिंग फॉर यू। गाइज जो थर्ड गेस्ट है अपने वो अबाउट टू ज्वाइन, प्लीज तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो ये बहुत सही बात लगी मुझे कि तुम लोग अगर अपने सेफ्टी का ध्यान रखो और ये करो तो हो जाएगा। और गाइज मैं बहुत बार एक कोट पढ़ चुका हूँ इंटरनेट पे कि डोंट टीच योर डॉटर हाउ टू बी सेफ, टीच योर सन नॉट टू बी थ्रेटनिंग। ये काफ़ी मल्टीपल लेवल्स पे ट्रिगर करता है ये थॉट मुझे। बट देखो गाइज, अभी ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे ट्रिगर करता है क्योंकि मैं अच्छा हूँ, तुम लोग भी हो, सब अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं अपन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए सेफ्टी कंसर्न तो आता ही है। उसके बाद जैसे इन्होंने बोला कि जनरेशन गैप को तुम अपने आप मतलब एक्सप्लेन करो कि यार मैं कैसे बोलूँ कैसे करूँ, तुम लोग गलती क्या करते हो पता है? अगर तुमको सपोज, चलो ठीक है यार तुमसे सबसे बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाओ तुम, मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है मुझे करनी ही है, मुझे नहीं पता,
कन्विंस करो अपने माँ बाप को या फिर अपने रिलेटिव्स को, ठीक है। सीनू का शायद कुछ टेक्निकल इशू आ गया फिर से। कैमरा कैमरा रिस्टार्ट कर ले प्लीज। और मुझे पता है मैक्सिमम लोग जो है ना, मतलब जो यूथ है वो इसी बात के लिए फाइट करेगा कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी है, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ होगी कि तुम लोग ना शादी की बात करोगे तो ऑब्वियसली पहली पहली चीज़ वो लोग पैनिक करेंगे कि यार मैं इसको अलाउ कैसे करूँ, कास्ट देखेंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, अपना देखेंगे। देखो गाइज, अपने इंडिया में एक चीज़ है कि तुम अगर समझो तुम्हारा पार्टनर चुनना चाहोगे, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के, सबकी बात नहीं कर रहा, तो लड़का या लड़की क्या करती है उससे पहले उसकी कास्ट क्या है, वो कितना, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो फाइनेंशियली कितने स्टेबल है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो फिर लड़का क्या है और क्या करते है इस चीज़ के बारे में सोचा जाता है। इसीलिए सबसे पहले फेल होते हैं अपन लोग इस चीज़ को रखने में। तो इस चीज़ को थोड़ा साइड में रखते हुए, जैसे जनरेशन गैप यही जहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एजुकेशन के लिए तुम लोग कर लेते हो यार, मतलब कुछ भी करके अगर तुम बात रखो ना अपनी, यहाँ गलती अपनी ऐसी होती है कि अगर समझो मैंने आज तक इंजीनियरिंग सीखी है और मैं भी बोल रहा हूँ मुझे मैनेजमेंट सीखना है, तो उनके लिए शॉकिंग रहेगा यार, ऑब्वियसली शॉकिंग रहेगा, क्योंकि जैसे एजुकेशन का ये है ना इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं उनको, अपन लोगों ने देखा है अभी यार गेमिंग एक करियर है, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग एक करियर जो कि पहले भी था, फैशन डिजाइनिंग में भी बहुत से सारे मतलब चीज़ें कि स्पेशल एक्सेसरीज पे तुम लोग एक एजुकेशन कंप्लीट करो, इतना एजुकेशन इवॉल्व हो चुका है, ये चीज़ अपन ने देखी है, उन लोगों ने देखी। तो कोशिश ऐसे अपनी रहनी चाहिए कि तुम उनको वो दिखाओ कि जो तुम देख रहे हो खुद के लिए, तुम लोगों को बताते हो मुझे ये करना है, एक्सप्लेन नहीं करोगे उनको, उसके फायदे नहीं बताओगे, उसके बाद तुम्हारा कैसा मतलब ग्रोथ होगी वो नहीं बताओगे, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे घर वाले, तुम उनसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, उनको आधी बात बता के तुमसे तुम्हारा काम निकलाओ, नहीं हो पाएगा ना। ये चीज़ यहाँ पे अपने को मैटर करता है, वही वही मैंने जैसे पहले बताया कि वो जिद्दी है तो उनको पहले समझाना पड़ता है, धीरे धीरे समझाओ, टाइम लो, उनको टाइम दो, उनको दिखाओ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाओ, उसके बाद वो मान जाएंगे। मानते यार एजुकेशन के लिए ना, मैंने शायद देखा कोई फैमिली ना मान रहे हो। हाँ, और अगर किसी के पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे होंगे ना तो सॉरी, मुझे किसी का मतलब ऐसे इमोशंस वगैरह हर्ट नहीं करने, बट फिर भी अगर तुम अगर किसी गांव में रहते हो और वहाँ पे अगर ऐसी प्रथा है कि तुम लड़कियों को सिखाओगे ही नहीं ना, तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा उबरने की कोशिश करो और सीखने दो यार, क्योंकि पता है क्या, अभी आने वाला जो टाइम है ना उसके लिए इतना मैन पावर लगने वाला, इतना मैन पावर लगने वाला है कि कल को अगर तुम्हारे लड़के कम पड़ गए ना, वहाँ पे लड़कियाँ ही खड़े रहेंगे। तो प्लीज़ इसके बारे में मतलब थोड़ा सोचना। मैं किसी का मतलब इमोशंस वगैरह हर्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर यार हम ऐसा सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बस एक छोटा सा एक मोटिवेशन देने के हिसाब से मैं ऐसा सोच रहा था। और जैसे आपने बताया कास्ट के बारे में, शादी के बारे में, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो भी तुम मतलब लड़की और लड़का है, तुम दोनों खुद को, तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ। मेरी माँ कहती है, मेरा ये विचार नहीं है कि मेरी मम्मी कहती है, तुम इतना अच्छे से अपना एजुकेशन करो, अच्छी पढ़ाई करो, बहुत काबिल बन जाओ, और उसके बाद अगर तुम तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे ना तो तुमको भी शर्म नहीं आएंगे और वो भी तुम्हारा सुन लेंगे। हाँ, ये तुम तुम्हारा मेन गोल तो ये रखो रे कि तुम लोग ना मतलब एक ऐसी स्टेबिलिटी लाओ तुम्हारे करियर में कि ना तुम, हाँ यार अब मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, सोचना ना पड़े पेरेंट्स को भी। हेलो अज्जू, ज्वाइन कैसे कर रहे हो? एक मिनट हाँ गाइज, मैं मुझे बस एक मिनट देना, ठीक है, मैं इनको गाइड कर देता हूँ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। बस तुम लोग तब तक बात कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल आया, वो तुम कंटिन्यू करो, ठीक है, तब तक मैं आता हूँ। एक्चुअली सवाल ऐसा है कि अगर तुम्हारी कोई बेट, एक मिनट सीनू को आने देते, फिर सीनू नहीं हो रहा है क्या वैसा? ठीक है, सुनाई दे रहे ना सीनू? ठीक है, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, फिर तुम उसके ऊपर तुम्हारा जो पॉइंट वो रख सकते हो, तब तक मैं फिर पूजा जी को हेल्प करूँगा आने में। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम क्या करोगे अगर पता चला कि जैसे तुमने उसको आज तक रखा है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है, और शायद शादी के बाद वो शायद नहीं हो पाएगी, तो तुम्हारा स्टैंड, समझ गया क्वेश्चन तुमको? रिपीट करो, रिपीट रिपीट प्लीज। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम क्या करोगे अगर पता चला
कि जैसे तुमने उसको आज तक रखा है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है, और शायद शादी के बाद वो शायद नहीं हो पाएगी, तो तुम्हारा स्टैंड, मतलब जो कोई ख्वाहिश हो शादी के बाद पूरी नहीं हो पाएगी, तो तुम्हारा क्या स्टैंड रहेगा? तुम इसका एक्सप्लेनेशन दो इन लोग को, तब तक मैं इनको हेल्प करके आता हूँ, ठीक है? ओके ओके, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज चैट में यस बोल दो। हेलो हेलो, हेलो रोहन, हेलो किरण, अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट में मुझे रिप्लाई दे दो प्लीज। यस यस, तो पहला सवाल था किरण की तरफ से कि अगर तुम्हारी लड़की है तो, मैंने वही बताया आपको कि पहले खुद मतलब सेटल हो जाओ, अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छा काम करो, अच्छी जॉब करो, पैसे कमाओ, फिर अपने पेरेंट्स से बात करो। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अपने जो मतलब पेरेंट्स है वो ना मॉडर्न है और ना पीछे है, वो बीच में है, तो सुनने के लिए उनको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम तो होगा। और स्टैंड तो पेरेंट्स लेंगे अगर शादी के बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं होती है, तो मैं भी लूंगी अगर मेरी बेटी होती है तो इसलिए दोनों ने पहले सेटल हो जाना चाहिए एटलीस्ट। और ऐसा नहीं कि लड़के नहीं होना, थोड़ा टाइम लगता है, लड़की ने भी सेटल होना चाहिए, उसके बाद ही घर वालों से बात करनी चाहिए। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes yes, hello. Yes, so welcome back, मैं आ चुका हूँ। Yes yes, क्या लिख रहे हो बे तुम? हाँ, मैंने पूछा था मेरी आवाज आ रही है क्या? Okay, हाँ, तो guys अभी तुम्हारा जो कोई question था, तुम I guess कुछ relationship के बारे में रोहन भाई का सवाल था, तुम पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, जैसा भी सवाल हो पूछ लो। और हाँ किरण, आपको मेरा point clear हुआ या फिर कुछ clear करना है आपको? हाँ, तब तक तुम रोहन भाई तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद सीरियस तो अभी अपन ने कर लिया, कि अभी लेट्स गो टू द फन पार्ट। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा एक बार हो जाए तो अपन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फन पार्ट, क्योंकि मीम्स तो है भाई। तो यस, क्योंकि देखो गाइस, पता है क्या, फन वगैरह तो अपन करेंगे, लेकिन जो कभी कभी होता है ऐसा ना कि मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मतलब सामने आने चाहिए, वो अपन बाद में रखते, इसलिए मैंने पहले ये बात क्लियर कर दी। जिनों का कैमरा नहीं हो पा रहा ठीक, ओके, क्यों वॉइस से फिलहाल के लिए ज्वाइन रखते हैं ना। हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, बोल ना। हाँ, उनको वॉइस से ही ज्वाइन रखते हैं ना, फिर से इनको क्या हुआ, उनकी वॉइस भी नहीं आ रही ना। अरे म्यूट है उनका कैमरा और सब म्यूट है। सीनो कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अनम्यूट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कैमरा क्या एरर प्रॉब्लम दे रहा है क्या? नहीं नहीं, हो गया। ओके ओके, अभी आप ठीक है, आप सही। मुझे लगता है और एक सवाल आया है। आया है क्या? हम्म, नहीं अभी तो रोहन,
रोहन जाधव की तरफ से एक सवाल है, मैं पढ़ू क्या? अरे ओके 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 आ गया आ गया आ गया। सुनो कैमरा चालू कर लो, क्वेश्चन है। ओके तो क्वेश्चन इज, समझ एक कपल आहे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सुनो। समझ एक कपल आहे, ते एकमेकावर प्रेम करतात, पण तो मुलगा सेटल नाही आणि मुलीच्या आईला ते मान्य नसेल, तिच्या आईने तिच्या लाईफ साठी मुलगा ठरवले असेल, तर त्या मुलीने काय करावं? पहिले तर काही नाही करावं। सुनो मेरी बात, सुनो ना सुनो ना, मतलब मैं सॉरी तुमको मतलब टोकने के लिए, मैं क्या बोलता हूँ अभी देखो। ये जो क्वेश्चन है रोहन भाई, पहले आप इन लोगों से इसका ले सकते हो मतलब सजेशन, फिर बाद में मैं आप मुझे जो लगता है बताता हूँ। बस गाइज प्लीज प्लीज ट्राई टू बी अ लिटिल पोलाइट, ओके? मतलब कि ठीक है कि तुम बताओ, बट समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस प्लीज बी जेंटल ऑन देम, प्लीज गो जेंटल ऑन देम, जस्ट प्लीज कौन बता रहे बता सकते हो? तो मैं पहले तो डोंट्स बताऊंगी कि पहले तो भागो मत, ज्यादा जिद मत करो, मम्मी को समझाओ, मम्मी वो समझ जाएंगे, उनको टाइम मांगो, टाइम भी देंगे। यही बात समझाने की होती क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाए। तो पॉइंट्स बताओ कि मतलब करना क्या चाहिए अगर लड़की ने कोई ऐसा लड़का देखा है जो सेटल है, ठीक है, सेटल है ना? नहीं सेटल नहीं है, नहीं है। नहीं मम्मी ने एक लड़का एक्चुअली फाइनल कर दिया है, उस ऑब्वियसली सेटल होगा। हाँ तो फिर क्या करना चाहिए, सवाल है। वही टाइम ही मांगना चाहिए और मम्मी है, दे देते टाइम। और टाइम मांग के क्या करना चाहिए, जो उन्होंने पसंद किया उन्होंने मेहनत करनी चाहिए और सेटल होना चाहिए। पहले तो उस लड़के के बराबर आना चाहिए, नहीं बराबर तो थोड़ा तो भी उसके पास। ओके सीनो क्या लगता है, कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए? हाँ एफर्ट्स लेने चाहिए बराबर, उसने वो ट्रस्ट उसके घर वालों को देने चाहिए। हाँ मैं अच्छे से रख सकता हूँ, मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं भी स्टेबल बन सकता हूँ, तो उसका है, बंदे का सीन है यहाँ पे। बंदी तो बंदे के हाथ बन गए है यहाँ पे, वो कुछ नहीं कर सकती। अगर वो कुछ करेगी तो घर वाले जल्दबाजी में कुछ और डिसीजन ले लेंगे, मतलब कुछ अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो। हाँ तो अगर बंदी जल्दी कर जल्दबाजी करती कि भाई मुझे करना ही है, यही बंदा चाहिए, वही बंदा चाहिए, तो फिर घर वाले ऑब्वियसली बोलेंगे कि नहीं अभी तेरा कल्याण कर ला देते, अभी देख हो गया तेरा टाइम आ गया हो गया अभी। हर हाँ कोई अगर एल्डर हमको देख रहा होगा ना, तो मैं तुमको एक बात पहले क्लियर आउट कर दूं। देखो ये कोई मतलब कोई दूरदर्शन चैनल नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे स्ट्रेट जाऊंगा कि अगर हमारे बातों में अगर तुमको कोई अगर ऐसा कोई ऐसा शब्द लगे ना जो कि इम्प्रॉपर है या फिर कैजुअल फॉर्मल नहीं है, कैजुअल हम बातें कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि ये हम कोई ज्ञानी लोग नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ हम बस अपनी भाषा में यूथ को जैसे समझा उस भाषा में बोल रहे हैं, तो उस बात में प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है? अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे बताइए, कोई अगर आपको समझ नहीं आई बात कि इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूंगा। वो सवाल कंटिन्यू हो रहा है रोहन भाई का, कारण आपण त्या मुलीचा विचार नाही तर त्या मॉमचा पण आपण विचार करावा। एक्झॅक्टली बरोबर बरोबर रोहन भाई, की मम्मी के बारे में आपण लोग ने सोचना चाहिए। ये वो एक तो मतलब फंसे हुए होते हैं खुद के विचारों में, बच्चे के लिए और सोसाइटी के लिए। हाँ। तो मतलब क्या सोचे, बच्चे का सोचे, सोसाइटी का सोचे, खुद का सोचे, वही वही। तो सॉरी मेरा मतलब चैट पे भी ध्यान है इसलिए मुझे ऐसा लग मतलब थोड़ा यहाँ पे भी देखना पड़ रहा है। तो रोहन भाई सौ बात की एक बात ऐसी, आप मैं अपना बताता हूँ, ठीक है? अगर देखो लोगों ने मतलब जिन्होंने भी किया कि बाबा हमने प्यार किया था, हमने ये किया, हमने वो किया, तो देखो हो सकता है कि तुमने बहुत बचपन में शुरू कर दिया हो स्कूल के टाइम से, कॉलेज के इनिशियल लेवल पे, और तुमने कर दिया टाइम वेस्ट, ठीक है, इन सारी चीज़ों के पीछे। तब तुमको लगा हमारे पास टाइम है, हमारे भी उम्र ही क्या है, आगे का आगे देख लेंगे। ऐसा अगर करते करते तुम जिनकी बात कर रहे हो उन्होंने जो उनके पास टाइम था वो वेस्ट कर दिया हो, और क्योंकि अगर वो लड़का सीरियस होता ना भाई
उस लड़की के लिए, तो शायद वो उसके हाथ पर मारता शुरुआत से, कुछ ना कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करता। तो शुरुआत से ही सोचता है कि कैसे मतलब मैं कन्विंस करूंगा, तो उस मेरे पास में पॉइंट्स चाहिए कि मैं इनको बताऊं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हाँ वही, कि अगर उन्होंने ये किया कि यार मैं तो कितना प्यार करता हूँ, मेरा प्यार देखना चाहिए इसकी माँ ने, एक दूसरा लड़का कैसे देख रही, भाई तूने कमाया है कुछ। अगर तू टाइम थोड़ा खुद पे डालता ना कि यार अब मैं थोड़ा सेटल हो गया, कि आप मैं बोल सकता हूँ कि यार अब यहाँ, और फिर अगर वो लोग मान रहे तो तू कुछ तो फाइट मारेगा ना। तूने टाइम देखा जाए तो तो लड़की के पीछे वेस्ट कर कैसे दिया। होता है, प्यार से पेट नहीं भरने वाला है, पेट भरने के लिए पैसा और रोटी चाहिए। और हाँ, लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती है, पेरेंट्स से हो जाते हाँ हैं देखा ओ भाई ये तो गया। जाए तो तो यस, मतलब इसका इसके लिए कोई क्रॉस क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा है क्या तुम लोग का? मतलब गाइस चैट में पूछ रहा हूँ कि अगर ये तुम्हारा जवाब अगर तुमको मिल गया तो, या फिर और एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे, क्योंकि ये नहीं होगा क्या बोलते उसको, शुगर कोटेड बातें नहीं होगी कि तुम लोग ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, नहीं, कि ऐसा तो लाइफ इज नहीं। ब्यूटीफुल। नहीं वे नहीं है लाइफ ब्यूटीफुल, तुम लोग को बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो गाइज अभी अपने जो गेस्ट आ रहे थे उनका थोड़ा इंटरनेट का इशू है, वो ज्वाइन कर लेंगे अपने को। तब तक अपन क्या करते हैं, मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया ना अभी? ओके तो अगर तुम लोग का अगर हो गया होगा क्वेश्चन, मतलब जो तुम्हारा क्यू एन ए था, तो अपन अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है मीम रिव्यू। आज देखेंगे तुम लोगों ने क्या बनाया और क्या भेजा है। माउस इतना फास्ट क्यों हो गया? हाँ ठीक है, पूजा जी नहीं आए अब तक। वो आ रहे, उनका इंटरनेट का कुछ इश्यू था, वो आ रहे। यार इंटरनेट ना बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ना आजकल सबको। अपने दो गेस्ट तो मतलब विदाउट इंटरनेट ही, मतलब इंटरनेट के बिना ही उनका प्रॉब्लम आ जाए, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा था ना उस वजह से। ओके तो गाइज आई थिंक वी शुड मूव ऑन, ठीक है। हाँ फर्स्ट मैं एक बार क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन आगे भी रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, तुम अचानक भी तुमको कोई क्वेश्चन अगर सूझता है तो तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या करो, आई हैव वन क्वेश्चन। अरे बोलो बोलो किरण भाई बोलो। गाई तुम लोग को बोर नहीं हो रहा ना? नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रही है। हाँ नहीं मतलब मैं तुम लोग को ये करूँगा बोलूँगा और फिर तुम ये करोगे क्या बोलते, बोलेंगे यार बब तो बोर हो रहा है अपन, फन पार्ट कहाँ है। विनय वर्मा तेरा भाई फुल जॉड, अरे झाड़ नहीं भाई जॉड, झाड़ लिख रहा है। विनय भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत आपका, सही टाइम पे आयो आणि हो, तुला वाटत असेल माझा आहे तर तसं काय नाही, असं जस्ट विचारलं, आपण सिंगल बेस्ट आहे, वेरी गुड। रोन भाई देखो यस, सिंगल इज बहुत बेस्ट। सही, सिंगल की बात है ना, तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तुम्हारे पास है टाइम, आप सबके पास टाइम, तुम्हारे पास क्यों, मेरे पास टाइम है, बहुत लोगों के पास टाइम है, ठीक है। अरे यार तो अपन सबके पास, मतलब जितने भी लोग अभी मतलब सिंगल है, अपना करियर पे फोकस कर रहे हैं या फिर कुछ लगे हुए हैं, या जिनकी मजबूरी है कि बाबा नहीं मिल रही लड़की, नहीं मिल रहा लड़का, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम अंडर कॉन्फिडेंट है, हमारे में ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो ये चीज़ें ऐसी है कि तुम लोग कर तो लोगे, लेकिन एंड टाइम पे होगा ऐसा कि तुम्हारे पास अभी जो टाइम है ना, जो जो तुम किसी लड़के के पीछे किसी लड़के के पीछे वेस्ट नहीं कर रहे, तुम उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो ना, कि कल को अगर तुमको लगे कि हाँ नाउ इट्स द टाइम कि मैं अपना पार्टनर ढूंढूँ शादी से पहले, जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, तो तुम्हारे पास पैसा होगा रे सबसे इम्पोर्टेंट, तो मतलब जो हो लगता है घूमने फिरने के लिए, तुम्हारे शौक करने के लिए, और लड़की या लड़के को तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखने के लिए। देखो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मिल जाता है जो पैसों को ना देखता हो, वेल एंड गुड, तुम्हारे पैसे बचेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं अभी कोई जरूरत सबको, तो बस स्टेबल हो जाओ सेटल हो जाओ, मौज है अभी, अपनी उम्र ही क्या है, बीस बात तीस मैं बीस बोलना पच्चीस चाहूंगी कि हाँ प्लीज प्लीज अगर कोई बंदा है तो वो खुद माइक पैसे थोड़ा पास कमा ले लो, के, माइक कोई थोड़ा पास ले लो। बंदा है और खुद पैसे कमा के अगर वो बंदे को कुछ गिफ्ट करता है
वो चीज की खुशी ना बंदी को कुछ अलग लेवल पे पहुंचा देती है। मतलब जब हाँ, भले वो एकदम ऐसा 100 रुपए की चीज हो, हाँ, पर अगर वो कमा के देता है तो खुद बहुत के अच्छा दम पे लगता कमा के देता है तो बहुत अच्छा लगेगा, बंदी को ऐसे अलग फील हो जाएगा कि भाई ये बंदा कर सकता है। हाँ। घर वालों से पैसे लेके उधार लेके इधर से उधर कोई नहीं करेगा, पर हाँ जो हाँ बंदा हाँ खुद से करता है ना वो वाला फील बहुत अलग और बहुत मस्त रहता है। देखो गाइस मोटिवेशन तो है भाई यहाँ पे। राजेश ने कम बिग फैन सुन मैम, राजेश जी जाए आपको आपके स्पेशल आपका नाम मेंशन किया, उनका आप हाय बोल दो प्लीज। हेलो राजेश जी, अन्ना, हेलो अन्ना, अन्ना, हेलो अन्ना, वेलकम टू द स्ट्रीम, हम बोल सकते हैं हाँ हाँ ना? ओके तुमको कैसा लगता है जब तुम्हारी कोई डिमांड कंप्लीट नहीं होती जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लाइक रात को घूमना और बहुत सारी, समझ गया कि रिपीट करो। हाँ हमें भी लगता है भाई रात में घूमना है बाहर हाँ। लेकिन अगर घर वाले सेफ्टी पर्पस के हिसाब से तुमको मना करते तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है उस पे? अकेले जाने के लिए तो ऑब्वियसली मना करेंगे। मेरे घर पे ऐसा सीन है कि मैं बंदी हूँ इसलिए मना करेंगे ऐसे नहीं, अगर मेरे घर पे अगर बंदा भी होता है तो उसको भी मना ही किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि लड़की लड़का वाला डिफरेंस नहीं होगा, जो है दोनों को सेम है। इवन मुझे एक बड़ी सिस्टर है तो मेरे घर वाले बोलते कि लड़का नहीं है इसलिए हम खुश है, क्योंकि हमें दो दो लड़कियां हैं कि जो लाइफ टाइम हमें संभालेंगी। लड़के का तो कुछ बोल नहीं सकते कि शादी होने के बाद क्या करेगा क्या नहीं, जो घर में आने वाली है वो कैसी रहेगी कैसे नहीं, क्योंकि आजकल के एग्जाम्पल देख रहे हैं तो बहुत से घर टूट जाते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो इसलिए उनका कहना है कि लड़कियां हैं इसलिए हम हैप्पी है, और रात में घूमने का होगा तो मेरे पापा खुद मेरे को लेके जाएंगे। और मेरा ऐसा है कि अगर घर वाले अगर सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं बोल रहे तो मैं समझ जाऊंगी। हाँ, क्योंकि वो अपनी केयर कर रहे, अगर हम उन अब हमको उनकी जगह पे रख के देखे ना तो पॉइंट उनका बराबर होता है। हाँ रोशनी का सही है, मतलब अगर अभी बोल रहे हैं घर वाले कि क्या बोल सकते कि सोसाइटी ऐसे कहेगी सोसाइटी वैसे कहेगी तो वो गलत है, पर अगर ये बोल रहे हैं कि सेफ्टी है सिक्योरिटी है तो वो सही है। और अगर क्या हो के घर वाले तुम्हारे साथ स्कैम कर दे कि अगर इसको ऐसा बोल दे तो ये सुनती है तो अपन इसको ऐसा ही बोलेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे तो घर वाले तो अपने से दो कदम आगे ही रहने वाले फिर तो स्कैम को तो कोई बच ही नहीं सकता है। स्कैम घर वालों का स्कैम कुछ अलग ही रहता है भाई। वही वही। हाँ गाइस मैं चैट से पूछना चाहूंगा, तुम लोग को ऐसा मतलब बोरिंग तो नहीं लग रहा ना ये सेशन, मतलब कि कुछ अच्छा होना चाहिए? मैं डांस तो नहीं करने वाला, नहीं ये दोनों करने वाले, तो ऐसे कुछ एक्सेप्ट मत करो, हम बातें करेंगे, इसके बाद हम म्यूज देखेंगे, उसके बाद हम कुछ गेम्स खेलेंगे। क्या हो गया? हाँ तो तुम लोग को मतलब ऐसा बोर तो नहीं हो रहा, मुझे बताओ क्योंकि फिर अपन एक दूसरा से ले सकते। बस ये करना चाहता हूँ कि जितना कम्युनिकेशन हो ना तुम्हारे बात तुम्हारे जो बात है उसके अंदर ही क्लियर हो जाए, तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि यार बोरिंग हो रहा है तो प्लीज मुझे बता सकते हो, आई एम ओपन टू सजेशन। हाँ हाँ हम कुछ और करेंगे कोई हाँ, बात नहीं। एक और क्वेश्चन है कि और कोई गिफ्ट ना अफोर्ड कर सके या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ना कम्प्लीट कर सके तो क्या, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का सीन आता है। अगर तुम्हारा लड़का खुद कमा के लाया है लेकिन उसको सिर्फ 2,000 रुपए पगार, तुम्हारा गिफ्ट है 4,500 का, तो तुम क्या करोगे? एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर जीवन आवश्यक है तो नहीं, अगर जीवन आवश्यक है तो लड़कों को छोड़ ही देना चाहिए। अगर बेसिक बेसिक चीजें तो तुम्हारे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो नहीं, ये तो गलत बात है ना। वो उसके हिसाब से जीवन आवश्यक नहीं, तुम्हारे हिसाब से, तब क्या? ऐसी कौन सी चीज़? यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का सीन आता है, हील दोनों से की अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉपर लेवल के हील से। आप बताओ। तो यहाँ पे फेमिनिज्म पे मैं बोलना चाहूंगी कि लड़की ने खुद भी ट्राई करना चाहिए। लड़की ने खुद से दोनों मिलकर पैसा कमाओ और ले जाओ, आधे आधे पैसे करो और लेके आ जाओ। ऐसे ऐसे तो नहीं है ना कि भाई बंदे ने ही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कभी बंदे ने भी बंदे को गिफ्ट देना चाहिए, चल भाई तेरे शूज और क्या मेरे तरफ से शूज ले ले। राइट 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 राइट। कोमल भामरे हाय, हेलो कोमल जी, वेलकम टू द स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आई थिंक कोमल जी मेरी वहिनी है तो हाय कोमल वहिनी। हेलो हेलो कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रीम पे, और आपको बहुत बहुत बधाइयां बोलते हैं ना कि शुभकामनाएं बोलते हैं।
शुभकामनाएं बोलेंगे ना, राइट, शुभकामना, शुभकामनाएं, हैप्पी वुमेंस डे आपको। इंग्लिश में बात करते रवि तेजा, हाय जय, हेलो 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 रवि भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रीम पे, क्या बात है, सुनो, हाय हाय। खुद ले सकते तो एक्सपेक्ट क्यों करोगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो समझो बात अलग आ गई ना, कि खुद ले सकते बट एक्सपेक्ट मतलब नहीं करेंगे शायद, मतलब किरण भाई कैसे कहना है कि अगर खुद ले सकते हो कि फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि अगर खुद के पास उतना पैसा है तो नहीं करेंगे, पक्का पक्का नंबर टक्के, चलो क्या बात है, ये सुनो आपको विनय वर्मा जो है वो हाय बोल रहे, सीनो के बहुत फैन फॉलोइंग है ना, फैंस तो है रे, फैंस तो है रे। करण सिंह, इट्स गेटिंग क्वाइट इंटिमिडेटिंग नाउ, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहते हैं। आज देखो अपने बात बोलते ना, मैं भी मतलब देखो अगर समझो आज मेरे पास एक स्टेबल नहीं बट एक आज मेरे पास एक जॉब है, कल शायद मेरे पास नहीं रहेगा, पर कल को मेरे पास बहुत अच्छा वाला जॉब है, या फिर समझो मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ इस टाइम पे, बट फिर भी मैं डिपेंडेंट रहूँगा। तुम लोग को इस बारे में क्या लगता है, डिपेंडेंट मतलब किस हिसाब से, डिपेंडेंट किसी भी हिसाब से, मैं मेरे मम्मी क्या कर सकते हो क्वेश्चन, अगर कोई लड़की नहीं है फिर इंडिपेंडेंट, मतलब अगर तुम किसी ना किसी से कुछ एक्सपेक्ट रखते हो या फिर किसी ना किसी से कुछ अगर ये करते हो तो फिर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, ऐसा एक का और हाँ एक का ऐसा सवाल है, तो इसके ऊपर मैं बोल रहा था कि फिर ऐसे तो फिर कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, कोई भी नहीं है। हाँ, किसी ना किसी बात से तो सब एक दूसरे से इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली होते हैं, तो वो तो सब एक दूसरे से होते हैं, तो वो सब अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि सबने चुप रहना चाहिए। हाँ बस आपस में, और देखो उस टाइम पे जो दोनों साथ में है ना उनको ही पता है क्या क्या करना है, ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब तुम लोग समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, मतलब ज्यादा होता है बट तुम लोग ये चीज आपस में रखो और डिपेंडेंस इंडिपेंडेंसी की बात ही मतलब। सानिका के कह रहे सीनू मैम बिग फैन, फैंस तो है, ये लोग ना एम्बैरस कर रहे हैं, जानबूझ के एम्बैरस कर रहे हैं चैट बॉक्स में, आके जानबूझ के एम्बैरस कर रहे हैं। गाइस इफ यू लाइकिंग द वीडियो टिल नाउ प्लीज मेक श्योर यू लाइक इट और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। और दीक्षा मोगले है सीनू, आवाज नहीं एक्चुअली उनको, दीक्षा हेलो सानिका, हेलो, ओके आई एम डन फॉर नाउ, क्योंकि किरण भाई नहीं वैसे नहीं, इंडिपेंडेंट लड़की ना है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी ना, अच्छा वैसे नहीं इंडिपेंडेंट लड़की नहीं है, हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकती है, मतलब अगर वो सिर्फ सोच रही है कि यार नहीं ये मुझे मेरे लिए करेगा तो फिर मेरे हिसाब से वो लड़की भी तो समझदार रहेगी फिर। और डिपेंडेंस या एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, अगर लड़की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगी तो पैसे कैसे कमाओगे, एग्जैक्टली मोटिवेशन कहां से आएगा, संदीप माहेश्वरी से। अभी अपना एक पेज खोल देना क्या, आई एम बिग एंड बिग फैन ऑफ सीनू एंड अजय भाई, थैंक यू सो मच विनय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम पे। Sanika is wishing both of you a happy Women's Day. Yes, same to Sanika ji. मतलब इंसान बर्बाद ही हो जाए। मतलब क्या हुआ, अभी मैं म्यूट थी। अगर एक मिनट,
तो बंदा इसलिए, मेरी आवाज आ रही है ना, तो बंदा बर्बाद हो जाए। इसका मतलब ऐसा है कि तुम बोले ना मोटिवेशन मिलनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, तो फिर अगर लड़कियां ऐसे नखरे करेगी ना तो लड़का मोटिवेट कहाँ से होगा। उस वजह से बोल रहा कि बंदा बर्बाद ही हो जाए। फिर अभी वो लड़की के ऊपर है ना कि वो क्या मांगेगी, कितना मांगेगी। हाँ, वो तो बंदे सामने में वाले भी वो को तो लेवल देख के ही मांगना चाहिए, ऐसे नहीं कि अनथोन पवन पापस रवे तस पाइयो। बरोबर बरोबर हाँ बरोबर एग्जैक्टली मैं लिंक एक बार कर देता हूँ। और कुछ किसी के सवाल? डिस्कॉर्ड ना काफी नया हाँ है ना कुछ लोगों के लिए। किरण भैया का एक क्वेश्चन है, डू यू फील जेलस अगर कोई चीज आपके पास नहीं है और तुम्हारी फ्रेंड या किसी और के पास है जो तुम्हें चाहिए? फ्रेंड से बोरो कर लो। नहीं, अगर जलसे की बात है तो मतलब चीजों के लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं, अपन कहीं ना कभी तो ले ही लेते हैं। और बाकी कुछ हो तो जलस मत फील करो, अगर तुमको वो चीज चाहिए तो खुद पाने की कोशिश करो बस। संदीप माहेश्वरी हेलो सीनू, कनेक्ट हुआ था अभी। हैशटैग सीनू माहेश्वरी एंड संदीप माहेश्वरी, सॉरी रोशनी माहेश्वरी। हाँ बहुत हो गया इतना भी। हेलो पूजा जी, हेलो हेलो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम आवर थर्ड गेस्ट मिस पूजा। आज ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, इनके ये हमारे स्ट्रीम पे ज्वाइन हो चुकी है, इनका प्लीज़ वेलकम कीजिए आप सब। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं हमेशा लाइव में ज्वाइन होती हूँ, अजय के स्ट्रीमिंग में ज्वाइन होती हूँ। बहुत अच्छे से मतलब गेम खेलता है, बहुत अच्छा लगता है। आज तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि मतलब पता नहीं आज क्या ही होने वाला है। अरे इसलिए हम पहले सीरियस सेगमेंट पहले ले लिया ना, क्योंकि बाद में मजे ही मजे करने, इसलिए पहला सीरियस सेगमेंट हो गया। अच्छा हाँ फिर आंसर चाहूंगा मैं सबके साथ में। एक मिनट, अब हो गया। विनोद साड़ूंगे बिल्कुल उसी, बस हो गया भाई। कुछ राड़ा तो बंद, अरे बिल्कुल 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 राड़ा तो अभी करेंगे, क्योंकि अभी सब आ चुके हैं जितने भी अपने गेस्ट आने थे। गाइज जो रह गया होगा डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने जिनको इनविटेशन दिया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो भी ठीक है। किरण भाई जितने चाहते रहे उतने पर्स। शायद पूजा जी ने अपना जो कन्वर्सेशन है पहला वो मिस कर दिया था। तो पूजा जी क्वेश्चन कुछ ऐसे आए थे कि मतलब अगर आवाज़ मेरी क्लियर है ना। हाँ मुझे आवाज थोड़ी सी मतलब मेरे मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, वैसे कुछ तो नहीं है आप अगर हेडफोन होगा तो आप लगा मेरा। लीजिए। हाँ ठीक है बोलिए। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे सबके कि अगर कोई लड़का अगर पैसा नहीं कमाता है और अगर उस वो चाहता है किसी लड़की से शादी करे और उसकी मम्मी ने अगर कोई ऐसा लड़का दूसरा ढूंढ चुका है, तो लड़की ने उस टाइम पे क्या करना चाहिए। अच्छा वो लड़का मतलब पैसे कमाता नहीं है, ओके कमाता ही नहीं है कमाता ही नहीं है, और उसकी मम्मी ने वैसा लड़का उसके लिए ढूंढा है, और फिर उस लड़की ने क्या करना चाहिए? देखो भाई आजकल की लड़कियां मतलब इंडिपेंडेंट है, और मतलब पहले जैसा नहीं है कि लड़कियों को कुछ नॉलेज नहीं है या कुछ पता नहीं है। अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू लड़कियां बहुत मतलब जानकारी पाती है, मतलब सब कुछ उन्हें पता रहता है। तो ऑब्वियसली यार लाइफ पार्टनर एक लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है, शादी मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है लाइफ का। तो इस टाइम पे लड़की ने बात करना चाहिए उसके पेरेंट के साथ में कि नहीं एक्चुअली मुझे जो भी आप देख रहे हो कि अच्छा लड़का देखिए, या फिर लड़की ने खुद का डिसीजन खुद ने लेना चाहिए कि लड़की लड़की को लगता क्या है। मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल पहुंच बिल्कुल रही है क्लियर है, क्या? क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो
तो मतलब लड़कियों ने ये डिसाइड खुद करना चाहिए कि अपना लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि तुम खुद चॉइस करो तुम्हारा लाइफ पार्टनर। ऑब्वियसली पेरेंट्स ही अपने लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, बट पेरेंट्स जहाँ तक के मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई पेरेंट्स ऐसा करेंगे किसी डॉटर के साथ में। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स अपने डॉटर के लिए सपने देखते कि अच्छा सा घर मिले, अच्छा सा मेरी बेटी राज करे। हर कोई पेरेंट्स ऐसा ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, सो ऐसा कभी हुआ है किसी पेरेंट ने ऐसा लड़का देखा है? तो प्लीज मैं गर्ल्स को यही बोलूंगी, प्लीज अवॉइड करो इस सिचुएशन को। ठीक है, थोड़ा सा मतलब खुद पे बिलीव रखो कि हाँ मैं अच्छा लड़का देख सकती हूँ, देखा है तो फिर यार प्रूव करके दिखाओ। और मतलब मैं तो बस ये बोलूंगी कि खुद पे बिलीव रखो, और अब पेरेंट्स ऐसे लड़के देख रहे हो तो खुद से उनसे अच्छा फिर अपने ही दिल से देखो लड़का और शादी कर लो। कि आपको लगता है कि हाँ लड़का मतलब पढ़ा लिखा है, अच्छा है, कमा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप खुद ही की चॉइस से फिर चॉइस कर सकते हो। सो मैं यही सजेशन दे पाऊंगी, क्योंकि हर वुमन्स को इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। और आजकल की लड़कियां मतलब अभी पहले जैसा तो नहीं है, बट काफी लोग ऐसे भी हैं, पेरेंट्स आज भी लड़कियों में रखते हैं, बिल्कुल उनके ही प्रेशर में रखते हैं, और उनका ऐसा होता है कि हाँ हम जो बोलेंगे आपको वही करना है। बट गर्ल्स आपको लाइफ बितानी है, आपका मतलब पूरा टाइम आप उस लड़के के साथ पूरा मतलब पूरा लाइफ स्पेंड करना है। तो प्लीज सोच समझ के डिसीजन लेना। शादी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जैसे बचपन से लेकर अपन जब बड़े होते हैं अपने पीछे एक पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है, शादी होने के बाद हस्बैंड होता है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, मुझे तो भी लगता है। फिर वो खुद का भी डिसीजन रहा तो चलता है, बट खुद करते हो तो फिर खुद रिस्पॉन्सिबल भी बनो उतना कि हाँ तुम निभा सको और उस चीज को तुम संभाल सको, और तुम्हारा पार्टनर भी एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए, और ये सब चीजें क्वालिटीज उसमें रहनी चाहिए। थैंक यू, ठीक थैंक यू सो मच रोहन भाई। आपका जो सवाल था उसका एक डिटेल जवाब आपको शायद मिल चुका होगा अभी। थैंक यू सो मच पूजा जी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अभी पूजा जी आपके लिए एक सवाल है कि आप खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन, एक मिनट रुको, मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ ना, फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं, गर्दनी नहीं रहेगी मेरी कल को। आप खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन है, तो जब आपको कोई ऐसे लड़कियाँ दिखाती है जो इंडिपेंडेंट नहीं है या उनको कोई गाइड करने के लिए है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? रिपीट करूँगा पहले क्वेश्चन? आ, ठीक आ, है, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया पहली बात तो। ठीक ओके है, okay. हाँ फिर से एक बार बताओगे तो मतलब हाँ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं एक बता रही हूँ कि मेरा मोबाइल का स्पीकर बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो चुका है। अच्छा सो थोड़ा सा मतलब मैं दूसरे मोबाइल में भी ट्राई किया लॉग इन करना, बट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके सो मैं समझती ओके हूँ, आप बोलिए बोलिए। आप खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन है, तो हाँ जब आपको बिल्कुल कोई ऐसे लड़कियां दिखाती है जो इंडिपेंडेंट नहीं है या ऐसे लड़का कोई एक मिनट लड़कियां 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 हाँ अच्छा, दिखाती है जो इंडिपेंडेंट नहीं है या उनको कोई गाइड करने के लिए है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए शायद मैसेज तो मैं इसलिए यही बोल दिया। रहेगा, इंडिपेंडेंट बात करूं मैं। हाँ सॉरी सॉरी, प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ ओके, इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए मैसेज तो यही रहेगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट है तो फिर उनको मतलब ज्यादा कुछ घर से मतलब देखो इंडिपेंडेंट होना है दो टाइप का होता है कि सपोज तुम कहीं पे वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। ठीक है, एक मतलब खुद पे डिपेंड होना, किसी और पे डिपेंड नहीं होना, तुम घर चला रहे हो। ठीक है, तुम्हारी खुद के सपने तुम खुद कर रहे हो। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट ये भी होता है कि पेरेंट्स से होता है। ठीक है, जो पेरेंट्स तुम्हें परमिशंस देते हैं घर में से, मतलब एक ट्रस्ट होता है पेरेंट्स का। ठीक है, कि हाँ मेरी बेटी कहीं भी गई, आई नो वेरी वेल कि हु इज शी, कि वो क्या है, और वो मतलब हमें उस पर ट्रस्ट है। ठीक है, कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट डेज होता है, मतलब इंडिपेंडेंटनेस होता है कि पेरेंट्स
देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो मैं हर पेरेंट्स को और गर्ल्स को यही बोलना चाहूंगी, आप इंडिपेंडेंट हो तो आपके पेरेंट्स आपको इंडिपेंडेंटिंग मतलब रखते हैं, या फिर आप लोग भी हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो अपने फैमिली की, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और इंडिपेंडेंट हो तो ये बात मत करना कभी, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं हर चीज के लिए, तो उन चीज का बस गलत फायदा मत उठाना, बस मैं ये बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। यस, तो किरण थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। तो आई थिंक आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो भारी भारी छान असं काही सांगणारे खूप कमी आहेत। यस यस चेतन भाई थँक्यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए और स्ट्रीम पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई खाना हो गया? अरे खाना खा ही रहा हूँ। तो यस गाइज आई होप आप सबके क्वेश्चन अभी खत्म हो चुके होंगे। अगर किसी का अगर कोई बच्चा होगा तो आप मिड स्ट्रीम बोल सकते हो। अभी अपन बढ़ रहे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है तुम्हारा और मेरा सबका फेवरेट क्या क्या बीम सीनू। रिव्यूज। यस मीम रिव्यू। तो चलो फिर मैं यहाँ से गाइस आज मैं पूरा ना ये करने वाला हूँ बे क्या बोलते उसको स्ट्रीम सेप्शन, क्योंकि मेरे डिस्कॉर्ड की स्ट्रीम डिस्कॉर्ड में स्ट्रीम होगी और वही स्ट्रीम यूट्यूब पे स्ट्रीम होगी सबके फोन में। देख रहे हो यहाँ पे तीन स्ट्रीम होने वाली एक जगह पे, तो आप मजा आएगा। मेडिटेशन रिलैक्सेशन म्यूजिक। हेलो हेलो आई थिंक इनका नाम माइकल था क्या? हाँ शायद। यस सो वेलकम टू द स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत आपका। ग्रीन कैसे सेट? ग्रीन स्क्रीन, हाँ स्क्रीन वन। अभी देखो कैसे अपन लोग ऐसे जाते थे कभी इंसेप्शन में सब। देखो स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम, उसके अंदर एक और स्ट्रीम। देखो बोला था ना। हेलो भाव, अरे हेलो आदित्य भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। तो गाइस जो मेरा है ये अपने आवाज जो इको हो रहे क्या अंदर? ठीक हाँ है अभी ठीक है। हेलो आदित्य भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलो चलो यस। तो लास्ट टाइम हम कहा थे तुम लोग को स्क्रीन ये सब दिख रहा है क्या तुम तीनों को? क्लियर? मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली। हाँ अभी दिख रहा है मुझे। ठीक है। यस ब्रो पूजा मैम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच माइकल ब्रो आने के लिए। तो गूगल टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो पहला मीम थोड़ा किसी को मतलब मुंबई को थोड़ा थोड़ा ट्रिगरेंगे कि जब विमेंस डे होता है तो गूगल अपना डूडल चेंज कर लेता है, मेंस डे के दिन गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइस वन। ओके अदर कंट्रीज में। मम्मी लाइट चालू कर, माझी स्ट्रीमिंग चालू है, लाइट अरे यार चालू एक कर। मिनट यार, फिर तुम लोग को रिएक्शंस कैसे दिखेंगे सबके? ये गड़बड़ हो जाएगी ना रे, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ एक मिनट, तुम लोग के रिएक्शंस कैसे देखूंगा फिर मैं? कैसे करना है इसको, कैसे दिख रहे हैं अपन? बहुत हाँ ना। ज्यादा दिख रहे हैं। तो एक काम करो पूजा मैं आपके लिए सवाल है, हु इज योर रोल मॉडल? माय रोल मॉडल इज माय मदर, एक मिनट है मैं उधर आता हूँ। बिकॉज शी इज एवरी टाइम इंस्पायर मी एंड मोटिवेटेड मी। ओए इंटरनेट हाँ गया क्या? वैसे अजय भी है। हाँ जस्ट जस्ट जोकिंग रे गाइस, उनका वो अलग सीन है रे, मतलब उन्होंने संभाला है मुझे, बचपन से देख रहे मुझे वो। तो एक काम करते मीम स्क्रिप्ट देते हैं ठीक है, फिर बाकी बातें बात मतलब कर लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो अपने पास कुछ ऑप्शन है नहीं कि मीम्स और इनके रिएक्शन साथ में देखे। तुम मीम्स पे रिएक्ट कर देना ठीक है? ओके चलो सीनू कैमरा चालू कर देना। रिएक्ट मतलब बोल के। हाँ बोलो तुम, हंसो कुछ भी तुम्हारे मन पे। अरे ये मीम्स नहीं चाहिए भी अपने को। हैंड सैनिटाइजर तुम लोग को दिख रहा नहीं सब? यस 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 हैंड सैनिटाइजर का एक ड्रॉप 99.9% कीटाणुओं को मार देता है। मैं जब दो ड्रॉप डालता हूँ तो जेम्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। यस हाँ यस
धोखा हो गया मेरे साथ। ये मतलब कितने मरेंगे ना, 188 पॉइंट समथिंग मरेंगे क्या? अरे नहीं मेरा मैच देखो, 198% कीटाणु मर जाएंगे, फिर भी मर जाएंगे। फिर भी दो, फिर तीसरा टॉवल तो बाकियों का रिएक्शन ही आएगा। फोन पे केयरफुली सेलेक्टिंग द मोस्ट यूजलेस कूपन्स टू गिव मी, किसको आते हैं सबसे यूजलेस कूपन फोन पे? मुझे मुझे बहुत बहुत है ना, मुझे मुझे मतलब जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए उन पे डिस्काउंट मिलता है। शॉपिंग तो करनी नहीं है पर शॉपिंग वाले आ जाते हैं, मतलब उससे अच्छे कैशबैक दे दो। मुझे तो ये फोन पे का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कूपन्स और ये मतलब डिस्काउंट देते हैं ना, वो गूगल पे में अच्छे पैसे मिलते थे, 10 रुपीज 20 रुपीज वाउचर में, वही ना हाँ कुछ तो मिले। क्योंकि अभी वो बोलते 3,000 की खरीदी करो 30 रुपए का डिस्काउंट है, 30 रुपए का। हाँ ये क्या था सर, मुझे रिपोर्ट, हाँ कुछ बोल रहे थे क्या आप? नहीं नहीं थोड़े थोड़े भी चलेंगे ना, थेंबे थेंबे तड़े साचे। हाँ चलेंगे चलेंगे। परसों बीच में वो थेम कहाँ पे गायब हो जाएंगे वो समझेंगे। हाँ वो तो है। सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, मेरे लाइफ के मजे खो गए हैं। डीप था बे, इन इनको क्या ही मजे चाहिए। पुलिस को भी नहीं समझेगा भाई, नहीं समझेगा, उल्टा के मारेंगे। और समझे समझेगा तो करेंगे क्या, क्या हाँ। मजे देंगे पुलिस वाले, वो हाँ। बोलेंगे भाई मेरे ही मजे खो गए, तेरे कहाँ से ढूंढ के लाओ। उसको पकड़ के मारेंगे, साड़े मैं दिवाली को घर पे नहीं हूँ, मेरे तेरे मजे खो गए बोल रहा तू। ओके, मी क्राइंग फॉर माय टीचर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ माय स्कूल। ये इतना फेक कौन रोया है बे? पहले बात तो मैं किसी फेयरवेल पे रोया नहीं हूँ, सीएसएमएस में रोया नहीं हूँ, मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं था वो भी फेक वाला, हाँ इसलिए रोई थी। अरे मतलब छूटने तो मतलब खुशी के मारे, खुशी के मारे भाई स्कूल खत्म हो रही है अभी। मुझे स्कूल की ऐसे खुशी तो बहुत हो रही थी तब स्कूल के ऊपर, शायद उनका साउंड का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है मैं भी नहीं रोई थी तो माफ कर दो मुझे, तो मैं नहीं रोया कभी कभी, मैं तो हंस रहा था कि ये क्यों रो रहे। गर्ल्स आफ्टर गेटिंग जस्ट वन क्वेश्चन रॉन्ग, दुख दर्द पीड़ा आंसू कष्ट पीड़ा, मी एंड द बॉयज आफ्टर आंसरिंग द होल एग्जाम रॉन्ग। ये सच बात है, बंदों का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। अरे हम लोग पता है क्या इसलिए खुश नहीं होते कि मतलब लास्ट पेपर था, अभी कोई टेंशन नहीं पड़ा है का, हम इसलिए खुश होते हैं कि चलो रिजल्ट जो भी आए अभी हमारे पास 2-3 महीने एंजॉय करने के लिए। ये आखिरी पेपर देते हैं ना, एक घंटे में भी, एक घंटे से भी अंदर पेपर खत्म होता है। बहुत सही, एकदम रिलेटेबल मीम। गेम रिलीजेस अ न्यू फ्री स्किन द लॉबी नेक्स्ट डे, सही तो है, सबके पास सेम स्किन होती है जब कोई गेम फ्री स्किन देता है तो। राइट राइट राइट, ओके ओके ओके। ओ खली एकदम कूल डूड बन के बोल रहा है, पापा टीवी की आवाज कम कर दो, पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब खली को एकदम सुपीरियर फील हो रहा है जब पापा को बोलने के लिए, बेटा मैं पता तो पढ़ाई कैसे करते। मतलब वो खली जितना एटीट्यूड आ जाता है हमें क्या अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं लड़का खुद को इतना कूल समझता है जब वो बोलता है कि मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ मैं भी करती हूँ ऐसा, मतलब कभी भी मैं पढ़ाई करती हूँ ना तो ए साइलेंट बस। यस मेरे सामने बहुत रोए उस दिन, कौन बे कौन रोए तेरे सामने? ओके तो गाइस अभी वीडियो मीम्स का टाइम है, ये मेरा फेवरेट है यार, वीडियो मीम्स मेरे फेवरेट है। दिस डांस लुक्स फैमिलियर, साउंड नहीं आ रहा तुमको? साउंड नहीं आएगा, साउंड नहीं आएगा शायद, साउंड नहीं आएगा। अरे यार प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ हाँ ये तो है का? किसको नहीं आ रहा क्या वीडियो से है तो का? Definition of wavelength, it is a length of wave, that's my answer in first year in last five. Chat में बोल रहे हैं कि definition of length, wavelength पूछा था ना,
लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें केरन ने डेफिनेशन लिखी थी, इट इज अ लेंथ ऑफ वेव, खत्म। नाइस, ये सब मतलब जब कुछ नहीं आता है ना तब लिखने वाले आंसर होते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आप असली रिएक्शन रख रहा है क्योंकि इतने सारे रिएक्ट कर रहे हैं, साढ़े मैं अकेला नहीं करता क्या अच्छे से रिएक्ट, रोज ये नहीं होने वाले, रोज मैं अकेला होने वाला, सहन करना पड़ेगा तुम लोग को। ओके अगला गाय, हाय गाइज, हाउ वाज द न्यू बैटमैन फिल्म, कैसी थी वे बताओ। यार ये एपिसोड किसी ने देखा है कि बहुत बार मैंने न्यूज़ को देखा है। गलत बैटमैन को अपनी ना लाल पट्टी की झोपड़ी आ तो हां हमें ये कैसे रहा है, ये उड़ कैसे रहा है, अरे कितना बुरा उड़ रहा है। 100% जीएफएक्स का है भाई, इसको कोई मैं अभी के इंस्टीट्यूटर हूँ ना इंस्टाग्राम पे, मैं ट्राई करने वाली हूँ। और मतलब तब जब उसने किया होगा ये बैटमैन का, मतलब ऐसा कुछ उसको ऐसा लगा होगा ना, मैं कितना मतलब ये कर रहा हूँ, टेक्निकल वीडियो बन रहा, सुपर हीरो हूँ, साईफाई वीडियो बन गया, मेरा जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है। हर सैटरडे को आओ प्लीज, अबे उनके काम होते रहे, मैं अकेला बेरोजगार, वो सब बिजी लोग है, वो नहीं आ पाएंगे हर सैटरडे को, फिर एक दिन ट्राई करूंगा मैं उनको फिर से आने का। दिस बैटमैन इज मेटा, तन्मय भट्ट बनेगा के मेरे भाई को। अरे नहीं नहीं नहीं, अब अपने एंड पे कर लेंगे। चलो अगला क्या है, अदर्स ऑन देयर बर्थडे, हेलो, ये इतना तो कोई किसी को कभी पैदा क्यों हुआ अपने बर्थडे पे। हेलो हेलो, इतना दुख तो नहीं हुआ है भाई, इतना दुख नहीं हुआ ना। अरे तुम लोग जब, अरे तुम लोग बोल रहे हो ना, तुम्हारा रिएक्शन दिख रहा है, एक काम करो तीनों एक साथ 1 2 3 बोलो एक साथ, 1 2 3। अच्छा जो बात कर रहा है ना उसका कैमरा फ्लैश हो रहा है बस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है, हाँ हाँ चलो ये भी चलेगा। हाँ तो ये मेरे स्क्रीन पर से स्ट्रीम गायब हो गया है। हाँ, मेरे भी मतलब स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। हाँ क्या कोई बात नहीं, डिस्कॉर्ड का स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी दिखेगा, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ अभी आ गया। ओके पूजा मैम, आपको घर से कोई रोक टोक है क्या? ये क्वेश्चन पे हंसी आ रही मेरे को पहली बार। तो फायदा इसलिए क्योंकि तू जिंदगी का उद्धार कर पाए। हाँ बोलिए बोलिए आप, रुको रुको रुको, मैं कैमरा की तरफ लेकर जाता हूँ। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से लेकर अभी तक एकदम जो रहती है ना माई एंजल वैसी रही हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी ने हमेशा मुझे विदाउट एनी बेरर्स, मतलब मतलब वही ना रोक टोक, मुझे नहीं आ रहा वो, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर्स मुझे मतलब ऐसे रखा है, एक लड़के से भी बढ़कर मुझे रखा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में, ठीक है। बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे ब्रदर्स है, दोनों भाई भी बहुत अच्छे है, सपोर्ट करते हैं हमेशा, और मम्मी तो बैकबोन है, हमेशा मेरे साथ रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली बहुत कूल है। और कुछ हुआ तो महेश, सेट द मल्टीपल स्क्रीन फॉर ईच वन, नहीं रहने होगा। मुझे क्या लग रहा है, मैंने ना तुम्हारे लिए अभी एक काम करते हैं, वो पहले 2-3 न्यूज़ बचे वो खत्म कर लेते, फिर अपन यूट्यूब पे कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। मैंने ना एक मूवी के बारे में बहुत सुना है, मुझे वो मूवी ना तुम सबके साथ थोड़े थोड़े उसके सीन्स देखने, और मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग के उसके ऊपर क्या रिएक्शंस रहेंगे, ठीक है। पहले मेम सिंपल देते, फिर अपन लोग सब साथ में मूवी देखेंगे। ओके ओके बस, स्ट्रीम हाँ कर रहो कर रहो। हाँ ओके ज्वाइन कर लो। पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन योर फादर आस्क यू व्हाट हैव यू लर्नड एट स्कूल टुडे, क्या सिखाए मतलब
उसके पापा ने उसको पूछा है कि तू स्कूल में आज क्या सीखा, तो बता रहा है क्या सीखा। मेरी स्ट्रीम तो अभी भी डिस्कनेक्ट ही है। अरे ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट रुको, अच्छा डांस कर रहे, रुको 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 रुको, नहीं स्ट्रीम बंद है। हाँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, यूट्यूब पे दिख रहा है उसका। नहीं 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 अभी ठीक है, अभी देखो नहीं क्या, एक सेकंड रुकना, एक मिनट मैं कर रहा हूँ। नहीं ना अभी भी स्ट्रीम ही चालू नहीं हो रही। ओके वो कुछ प्रॉब्लम हो गया, बोल रहा है यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड, सिट टाइट वी आर पैचिंग यू बैक। ओके वो कुछ वो स्टार्ट हो रहा है फिर से, तब तक फिर चले यूट्यूब पे स्ट्रीम, वो भी बाद में देख लेंगे। ऐसा रखना पड़ेगा मतलब तुम मुझे मुझे नहीं देखा तो भी चलेगा ना तुम लोगों को आज, क्योंकि तुम देखते हो इन लोग को ही देखो। ओके यस हेलो पूजा मैम, हु इज योर क्रश? आप मुझे ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, यहाँ पे दो गर्ल्स भी है ना यार, वो शायद आप टीवन देखते हो। नहीं नहीं तो बताओ कौन है। मेरा क्रश है हर्षवर्धन राणा। वो तो मेरा भी है। ओके चलो तुम लोग देख सकते हो स्ट्रीम को। ओके यस गाइस, एक मूवी है बहुत ही पावरफुल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, इतनी पावरफुल मूवी है, वो हम देखने वाले। इसमें जो हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, जिन्होंने आप बहुत कम फ्लॉप मूवीज दिए, मिस्टर आमिर खान है उस मूवी में, और जो अपने सुपरस्टार है कॉमेडी के अक्षय कुमार सर, उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना वो भी उस मूवी में है। मूवी का टाइटल है मेला। अरे तुम कितना सीरियसली सुन रहे थे मेरे को, सीरियसली सुन रहे किसने किसने देखी है यहाँ पे मेला? मुझे देखनी है इसलिए मैं तुम्हें, मैंने कुछ कुछ पार्ट देखा है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। टीबोन भक्त ना बाबा, टीबोन मैं देखता हूँ ठीक है, मतलब कभी कभी देखता हूँ, कंटिन्यू नहीं देखता हूँ मैं। पावन खिंड मूवी देखो भाई, पावन खिंड मूवी देखूंगा ना मैं यहाँ पे, मतलब तुम सबके साथ मेरे को लेके जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से, कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट लेके जाएंगे। स्कैम हो गया रे बाबा, स्वरूप भी सीरियसली सुन रहा था रे मतलब इतना बुरा नाम है रे मेला मूवी का, इतनी बुरी मूवी है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिंज मूवी है, मतलब सबको सबको पता है इतना बुरा है, क्रिंज भी है और क्रिंज है इसलिए फनी लगती है। भाव तुझे कॉलेज फ्रेंड शायद का, नहीं नहीं इनमें से कोई मेरा कॉलेज फ्रेंड नहीं है एक्चुअली, ये सब लोग मेरे इन्विटेशनल इसके से आए हैं। ये जो सीनू जो है वो फैशन डिजाइनर है, इनका एक स्टार्टअप है, और ये जो ऊपर जो रोशनी जी है वो एक एमपीएससी एस्पिरेंट है और बीबीए कर रहे हैं, और पूजा जी जो है वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, तो ये सारे लोग एक अलग अलग पूजा जी वो है जो वो एक ऐसा लगेगा ना मैं तुमको बोलूंगा मैं ही समझ सकती हूँ ये देखो फिर आप मैं बोलूंगा ये जो है नीचे वाली व्हाइट ड्रेस में ये इंस्टाग्राम पे फेमस है, ये सीनू जो है वो कपड़े सिलती है बिजनेस है इसका खुद का, ऊपर जो रोशनी बैठी वो आगे जाके पुलिस ऑफिसर बनने वाली, आपने सबको बचाएगी, ये बोलो क्या मैं तुम समझ जाओ बे पुलिस ऑफिसर नहीं बनने वाली हूं के आर के मूवीज क्रिंज टेंडर इंस्टाग्राम देना दंद माला। अरे इनका इंस्टाग्राम जो मैं बाद में बंदूक लेके घूमने वाली हां इनका इंस्टाग्राम जो मैं बाद में पिन कर दूंगा गाइस, तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो, मैं बिल्कुल इनका पिन कर दूंगा। हां तो ऐसा है तो गाइस आमिर खान सर अगर आप मुझे फ्यूचर में किसी मूवी में कास्ट करने का सोच रहे हो तो मुझे माफ कर दो, बट मुझे आज ये मूवी देखनी है।
मेला मतलब ना ऐसे कैदियों को ऐसे सजा के तौर पे दिखानी चाहिए। तो तुम लोग रेडी हो क्या भाई? रोशनी दीदी जालिमक माजी स्वरूप स्वरूप बोल रहा है, रोशनी दीदी जालिमक माजी। तुम अभी एमपीएससी कर रहे हो ना अभी? अच्छा अच्छा मूवी तो पंगा नहीं लेना है शायद। हाँ इतनी इतनी स्क्रीन साइज ठीक है तुम्हारे लिए? हाँ ठीक है, मूवी तुमको विजिबल है, इतना कुछ देखने लायक है नहीं बट तुम देख लो। अरे काफी कुछ देखने लायक है अगर साथ में देख रहे तो। इतने भी बुरे नहीं है मेला, पन अपना करना पूरा बेटर है मैंने। नाइस वन, नाइस 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 रिएक्ट, एक्चुअली नाइस वन। पूजा जी आप मूवी स्टार्ट करने जा रहे हैं? ओके चलो, मैं थोड़ा सा मेरा लास्ट का एक निवाला बचा है, खा ले तो क्या पता बाद में खाना जाए। ऑल कैरेक्टर इन दिस फिल्म आर फिक्शियस। सुपर सर अगर ये वैसा बोल रहे हो कि अगर इस मूवी में से तुमको तुम्हारे लाइफ के लिए कुछ भी रिलेटेबल लगे तो तुम मर जाओ। क्योंकि इतना बुरा कोइंसिडेंस किसी की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता होगा। भाई ये क्या कर रही है, मतलब झाड़ू मार रही है मेरा क्रश। उसकी ओढ़नी, उसकी ओढ़नी। अरे मजा आ रहा है इस गाने में, मजा आ रहा है ना। ये तुमसे ओळखीचे कसकाय झाले बघ। मी गेमर्स लाइक करोगे तो एक राज की बात बताऊंगा, और सब्सक्राइब करोगे तो एक और राज की बात बताऊंगा। असला कॉपीराइट है ना तो मेरा चैनल जाएगा भी शायद। मेरी आवाज ये रिपीट हो रही किसी के पास से, वो म्यूट कर दो ना। आदेश मात्र जो पे थे गाना है। अरे तुम्हारी नींद उड़ने वाली है अभी, रुको। अरे तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। स्ट्रीम किसके पास चालू है? अरे तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। आज की वाली फाइट चालू करना गुजर कर रहा कर रहा। मेरी माजी स्ट्रीम को नकर चालू असला ती बंद करून टाका। मेरा आवाज इतना क्यों रिपीट आ रहा है मुझे? अरे यार इतना क्यों रिपीट आ रहा है मुझे? अरे यार मैंने खुद ही मेरी स्ट्रीम चला रखी हो दूसरी विंडो में। अब 20 सब्स दोगे तो एक राज का दूंगा। अरे भावा लाइक सुबह सब्सक्राइब रेट डालते थे आज के लिए भावा सांग पटकन। अच्छा 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 ये नहीं, अभी भी मेरी आवाज आ रही वापस। अरे 3 महीने चैनल बंद हो। अरे ऐसा मत बोलो रे, तुम कैसे नहीं देखेंगे मेरे को 3 महीने बंद हो गया तो। अरे ये सब ना गेम्स खेलते हैं मेरे साथ ठीक है, और मैं जो सीनू जी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं मतलब मेरी सिस्टर के लिए वगैरह परचेस करते रहता हूँ। तुम भी देख सकते हो, मैं उनका जो है लिंक इंस्टाग्राम पेज का वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, उस वजह से मुझे वो पहचानते हैं ठीक है। पूजा जी को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और इसलिए मेरी उनसे पहचान है। और रोशनी जो है वो है मेरे कॉलेज फ्रेंड ठीक है। सीरियस हो गया, अभी मूवी देखते हैं आगे। मेरा चैनल नहीं बंद होगा, अरे मजाक मत करो। फाइट ना, पहला ही फाइट। अरे इतना कैसे एक्शन पैक मूवी है ये? अरे इतने गाने, अरे एक ही गाना खत्म नहीं हुआ अभी, 18 मिनट हो गए पिक्चर शुरू हो गए, एक ही गाना चल रहा है। गुजर आ गया गाइस, गुजर आ गया। वाओ ना, तो जैसा जानवर राज करेगा। अगर लोगों के दिलों से कुछ जल्दी दहशत निकले, इसका साउंड अच्छा है। हाँ 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 करो करो करो, उसके एंट्री भी लेते हैं ना फिर। कौन आ गए बोल रहा है? गुजरा आ गया। मंदी जी पापा बोले
उग्रवादी आ गए बे, उग्रवादी आ गए। उग्रवादी ये अकेला कम उग्रवादी क्या बे? अरे देवाला तरी घाबर, युट्यूबला नाही घाबरत तर यार। लोग बोल रहे मेला दिखाना टॉर्चर से ज्यादा है बे तुम लोग को स्ट्रीम पे। अरे अरे मजा आएगा मेरे हिसाब से तो। मीम्स देखे क्या? नहीं कंप्लीट ही कर देते हैं ना मेरा थोड़ा थोड़ा करके। लोग मेरे धमकी दे रहे थे 3 महीने के लिए चैनल उड़ जाएगा बोले। मतलब कॉपीराइट क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके 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 ओके। भाई ये क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं रे, नहीं दिख रहे मेला अपन लोग, नहीं दिख रहे अपन। दे दो लोगों को बक्स, दे दो आज के दिन। हाँ बक्स देंगे। गेम खेलने का? अरे बाबा, अरे हाँ गेम खेलेंगे ना, गेम खेलेंगे ना। ओके मीम्स देख सकते हैं। हाँ मीम्स देख सकते हैं, मेरा एक फेवरेट पेज है यार, उसके मीम्स देखेंगे अपन। हेलो अजय भाऊ, आप मेरे जान हो, फुल सपोर्ट आपका चैनल कभी बनने होगा। अरे थैंक यू सो मच भाई, माइकल भाई बिल्कुल थैंक यू सो मच। ये कौन सा ऐसा ऐसे भाई, मुझे नहीं ज्वाइन होना कहीं भी। अरे बाबा चैनल जाइल परत, मी तुम्हाला नाही बघू शकणार। अरे नहीं रे चैनल नहीं जाएगा ना फिर, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ना अभी। ऐसा नहीं, सबको सबको फिकर है, फिकर तो है रे, या फिर मेला देखने से बचने के लिए कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, मेला नहीं दिखाएंगे अपन। ये मेरा फेवरेट चैनल है वाइज मीम के, तुम इसको बिल्कुल एक बार चेकआउट करना। अंडा अंडा, क्या आप अंडा खाते हैं? Warwick Bridge, ये ना गानों की पैरोडी बनाते खुद। अरे बेचारा कितना, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, मेला देख के मैं मेला बोले। कौन सा देखे, कौन सा देखे, वीडियोस में हो गया ना क्या लेटेस्ट वीडियोस? जो ऐसे मीम्स चाहिए अपने को जो अपन लोग ये कर सकते हैं, मतलब सबको पता हो। और इधर चीज का एग्जाम, मैथ का, अच्छा मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए। एम ए टी एच, एम ए टी एच एम ए टी आई सी एस। देख कुछ साइन 30 का मान बता। सचिन साइन 30 बताओ। साइन 30 क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। A plus B का होल स्क्वायर। A माइनस B। A माइनस A प्लस B। श्योर होकर बताएं। A स्क्वायर माइनस 2AB। श्योर है? शाबाश। A स्क्वायर माइनस AB। मैथ्स मेरा बुरा है रे, लेकिन इतना भी नहीं है रे। भाई एक कच्चा, भाई एक रिक्वेस्ट, कच्चा बदाम प्लीज नको। अरे नहीं नहीं नहीं, मला कोसवता नाही आवडत रे ते। ओके इसने स्टैंड पे वाइक लगाई। ये तुमको सबके रिएक्शंस दिख रहे हैं ना अभी गाइस? अरे उसके ये बहुत अच्छा है। इसका वॉलेट लेके गया, अभी उसी गाड़ी लेके जा रही है। दे दे। मुझे पहले से क्या बात है सर? A square plus 2AB plus B square. सौरव भाई एजुकेशनल है, इतनी देर बोलता है यहाँ पे अभी। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। सैलाब है सुरों का, थैंक यू। सैलाब है सुरों का आवाज, उनकी हाईलाइट है। संगीत के जगत में उनकी चमक चंद्रमा जैसी। पॉपुलर यार, लेजेंडरी यार, लेजेंडरी। न्यू डे न्यू चोरी बट विथ लिटिल ट्विस्ट। ओके एक कार आई।
दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है, देख। ये शायद ये चोरी करेगा, मुझे इस पे डाउट है। ये वाला जो टी शर्ट में आ घूम रहा ना कार के पीछे, ये कुछ चोरी कर सकता है। साउंड क्यों बंद कर दिया? नहीं, साउंड म्यूजिक थोड़ा कॉपीराइट इशू है म्यूजिक को। ओके ओके, दिखे में ना घुस गया बंदा। अरे वो कुछ चप्पल छोड़ दी उसने, चप्पल छोड़ दी यहाँ पे, पकड़ा गया। और अंदर पुलिस था, अंदर पुलिस बैठा हुआ था कार में। एवरेज पबजी लवर है यार, एवरेज पबजी लवर। गाइस पबजी कोई फैन हो गया ना तो प्लीज माफ कर देना, क्यों चल रहा ये तो खेलना ही नहीं आता है। हेलो हेलो भाई, प्लीज भाई रिवाइव दे दो यार, रिवाइव दे दो यार। ओ हेलो भाई रिवाइव यार, अरे तो मैं हूं रे, बंद कर देता ना फिर वीडियो में अगर गोरे लड़के पसंद तो। तो गोरे ही पसंद आएंगे आपको। सांवले लड़के कैसे लगते हैं? सांवले लड़के लाइक ठीक लगते हैं, बट अट्रैक्शन ज्यादा गोरे लड़कों से ही होती है। मुझे सांवले लड़के इतने पसंद नहीं है। ज्यादा चांसेस किसके पास होते हैं लड़की पटाने के, गोरे या सांवले? गोरे लड़कों से क्या ऑब्सेशन है? तुम तीनों बताओ मेरे को, सच में गोरे लड़कों से इतना ऑब्सेशन होता है क्या? कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मैं गोरा नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं लग रहा क्या, ऐसा मतलब सच में इतना होता है कि गोरे लड़कों को इतना इम्पोर्टेंस है क्या रे? हाँ वो बेवकूफ लड़कियां रहती है। हाँ ना रोहन भाई, देखो गोरे बोलता है ताजे जातो आता, मैं क्यों जाऊँ, ये सब मेरे साइड ले रहे। गोरे लड़के ज्यादा अच्छे लगते क्या बताओ? जस्ट आस्किंग, नथिंग पर्सनल। नहीं नहीं नहीं, ये लड़कियां कहाँ से, मुझे नहीं पता, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। दिल अच्छा होना चाहिए, गोरा हो या काला। लड़कियों की जैसे इनर ब्यूटी होती है तो लड़कों की भी होती है ऑब्वियसली। नहीं होती, मैं तो सपोर्ट करता हूँ भाई काले लड़कों को, और मैं गोरा भी होता तो भी मैं काले लड़कों को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, एक एकदम ब्यूटीफुल है आप। ऋतिक रोशन नहीं लगता इस प्रोफाइल से? मैं एकदम बर यार सर, इस ब्यूटीफुल नहीं रहते हैं, हैंडसम होते हैं ना, हैंडसम रहते हैं। हाँ और आज नहीं, मैंने जानबूझ के ब्यूटीफुल बोला, हैंडसम है। मैं को अजय को देख के पता एक ही गाना आता है दिमाग में, जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा गाना आता है, मैं आपको बोलती हूँ, बोलू अजय? प्लीज प्लीज प्लीज। जब भी मैं अजय को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में ये गाना आता है, ना जाने कहा से आया है, ना जाने कहा को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। साड़ा अब बोलो, अब बोलो ऋतिक, ऋतिक कर अपने ऋतिक। अच्छा मतलब कर अपने ऋतिक बोल रहे मेरे को, लेकिन ये देख रहे हो क्या? वैसे भी ये इंटरव्यू वहां लिया जा रहा है जहाँ लोग एक दूसरे को ताड़ने आते हैं। हाँ भाई, अजय बहुत ज्यादा हैंडसम है गाइस, देखो आप बोलो, आप तो लड़के भी बोल रहे हैं चैट में आके। जय गडकरी, जय जय भाई, थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रीम पे। जय भाई की जय, क्या जय भाई? हाँ रे जय भाई, ये स्क्रिप्टेड नहीं है रे, और स्क्रिप्टेड नहीं है ये। अरे तो थोड़ी देर पहले पता चला कि मेरा लाइव हो रहा है अजय के साथ में, लिटरली मुझे नहीं पता था, ऐसा कुछ नहीं स्क्रिप्टेड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पेड और व्हाट? ए तुम लोगों ने पैसे लिए मेरे से सब बोलने के लिए? लोग पैसे का क्या करेंगे हम? पेड और व्हाट? पेड है पेड, जाओ दे बाहर में और झूठे लगाना है। और मैं क्या, हम लोग के मतलब नहीं, पूजा जी है सीनू, मैं तो इतनी फेमस नहीं कि पैसे लेके मतलब यहाँ पे आऊँ। देखो यहाँ पे सब हैंडसम आज वो, थैंक यू माइकल भैया। अरे ये लोग ना मुझे जानबूझ के चिढ़ाते हैं, पता है कि इनको भी पता है, बट ठीक है चलो कंटिन्यू करते। काले लड़कों से क्या लग तो रहा है भाई? अरे जय भाई हूँ मैं, अरे ये जानबूझ के मजाक करते रहिए,
मालूम है ना, अगर पहले अच्छा बोल देंगे फिर कैसे मजा आएगा गोरे लड़कों पे। गोरे मुझे तो गोरे लड़कों के ज्यादा लगते हैं। अच्छो 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 मैं तो होगा। हाँ आणि मला ना दुसऱ्या मोबाईल वरती जॉईन करायचं आहे लाईव्ह। मी एक हे केलंय ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलंय दुसऱ्या, सेम लिंक वरतून हे होईल जॉईन होईल, सेम लिंक वर जॉईन होईल। पण यावरती ना पासवर्डच नाही येत, मला कोड नाही येत कन्फर्मेशन। मग जीमेल दुसरा टाक, दुसरा जीमेल टाकून दे त्याच्यावरती। ओके तरी आता चालू आहे, तोपर्यंत बोला ऑफ उस्तर बोला। ओके संपुस्तर बोला तो फोन म्हणशील मला काय बाई कोणाच्या हातात एक कोणाचं नाही। गाइस देखो यार काले लड़के कैसे रो रहे हैं, लड़कियों ने जब गोरे लड़कों को छूता है तो कोई जरूरत नहीं रोने के लिए, चार पांच लड़कियों के लिए। मेरे को ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्लैक कलर में। एक्चुअली मुझे मतलब क्या है ना, उनको भी हार्ट रहता है, अपने जैसे रहते हैं, सब कुछ फीलिंग विलिंग सब कुछ उनका, तो अपने से अच्छे वो लोग रहते हैं। रेसिज्म रियल है रे गाइस, देखो मतलब अपन लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हैं लेकिन रेसिज्म रियल है, पता है क्या ये लोग, ये चीज बाहर ना बहुत मतलब मैटर करती है। जैसे आपने इधर जात धर्म मानते हैं ना, वैसे बाहर काले और गोरों का फर्क करते हैं, पता है क्या। मतलब अपन अभी हंस लेंगे काला गोरा बोल के, बाहर बहुत सीरियस इशू है, पता है क्या। अगर आप ये चीज अपन अमेरिका में करते ना, अभी तक मैं लटक चुका होता और तुम लोग मेरे से पहले मुझे काला बोलने के लिए। सीरियसली बहुत ये कलर मैटर बहुत करते हैं बाहर, बहुत मतलब इसका इशू बनाते हैं, फ्रेंड्स ने फ्रेंडशिप नहीं करते उन लोगों के साथ में दूर दूर। और मैं तो बोलती हूँ ना, गर्ल्स को तो इतना एटीट्यूड आता है, मतलब हर किसी को एक फीलिंग रहती है कि हाँ अपने भी फ्रेंड्स रहे, अपने भी मतलब गर्ल्स जैसे फ्रेंड्स रहे। मैं ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। आज अरे बोलो, इससे पहले वही सब हुआ इधर। हाँ तो मतलब क्या है ना, किसी में भी भेदभाव मत करो, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी। कलर्स दो ही है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो बोलूंगी जो भी लड़का ब्लैक है, ठीक है, उसको एक अच्छी सी व्हाइट वाली लड़की मिले, मतलब दो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना, कुछ ऐसे जरूरी नहीं रहेगा दोनों में कि हाँ मैं ब्लैक हूँ या मैं व्हाइट हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है कभी भी, ठीक है। सो कभी लड़की ब्लैक रहती है तो मैं यही बोलूंगी बॉयज को कि हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड व्हाइट है, उसे एक्सेप्ट करो, उसे प्रपोज करो और दोनों शादी करो, ये कॉम्बिनेशन बहुत ऑसम रहता है। यस और बच्चा मस्त ऐसा कौन से कलर का रहेगा, पूजा मैडम चैट बोल रही है कोई फोन वोन ऑफ नहीं हो रहा, सब बाहर नहीं बोले सब बाहर नहीं बोले फोन ऑफ नहीं हो रहा, फोन ऑफ नहीं हो रहा है, सिर्फ बहाने कर रहे हो तुम। अरे मेरा फोन, हाँ इतनी बैटरी है कि मैं बात कर सकती हूँ 10-15 मिनट। अरे मैं पढ़ रहा हूँ स्वरूप, सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ। नॉट मैच्योर नफा, जो लोग काले गोरे का भेद करते हो मैच्योर नहीं, इतने उनके अभी तक दांत भी नहीं गिरे पहले वाले बूढ़ा पे के नहीं। बिग फैन सीनु बहन, ओंकार कुंटरवा कुंटुरवार। हाँ स्वरूप भाई बोल रहे हैं। हाँ हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही। अरे ये कैसे आवाज आ रही, रैप रैप चल रहा है इधर तो। अरे कौन सा फिल्टर है यहाँ पे। ए गाइस सौरभ का मैसेज आया है, अज्जू भले ही तू काला हो मेरी जान, बट तेरा दिल साफ है चांद की तरह। यार तुम रोस्ट करने आते हो कह रहे मुझे इधर। ब्राउन भी होता है, हाँ ब्राउन होता है काले के बीच में ब्राउन होता है ना। डिस्कनेक्ट करूँ, कनेक्ट कर परत, इधर डिस्कनेक्ट कर परत कनेक्ट कर, साउंड ठीक हो जाए। अरे ये मारे हो रहा है क्या हो रहा भाई, अरे पता नहीं क्या चल रहा है व्हाट्सएप। अजय एक वेस्ट इंडीज इव्हेंट मधली ओळखीची आहे, तुझा नंबर भेटला असता तर तेवढं पुढचं बघितलं असतं। रोहन भाई स्ट्रीमच्या नंतर नंबर देतो, वेस्ट इंडीज साऊथ इंडियन कुठले चालेल रे, नंबर दे फक्त माझा कुठेतरी।
ऑफ पॉइंट भी होगा फिर फुल एंटरटेनमेंट एमिनेम इन द हाउस अरे हाँ रैप गॉड हो रहा है इधर रैप गॉड गाने मन भरे कहते गाने मन हाँ गाने गाना वो नॉर्मल बोलते भी गाने जैसे चल रहा है बा ए, शायद उनका गया भी परमानेंट इंटरनेट काले लड़के आपने रोने वाले हम डंडे पे ट्रिप हो गया क्या हुआ अरे सॉरी 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 रवि किशन ना अच्छा अच्छा कोई गिरा तो बहुत हंसी आती है बहुत मुझे तो बहुत हंसी आती है लेकिन मैं जब रोता हूँ तब मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं रोता हूँ तब नहीं गिरा गिरा पंटाई बोलते यूट्यूब मत यूज करना भाई अरे यूट्यूब नहीं यूज करो तो क्या यूज करो यार क्योंकि फिर तुम लोग को इनके भी रिएक्शन देखने और ये भी करना ना तो यूट्यूब ये हो सकता है ना अरे मजाक होता तू से एक छावा है अरे रोहन भाई मुझे पता है ना तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है बट इसलिए मैं ज्यादा रिएक्ट थोड़ी करता हूँ सीरियसली बोलते मैं इतना ही ड्यूट पता है क्या लेकिन प्यार है तुम्हारा तो अच्छा लगता है सो डीजे पार्टी कौन रॉन्ग नहीं नहीं ये नहीं देख सकते एवरेज बीटीएस हेटर तुम लोग लड़के लोग क्या हो गया यार क्या हो गया यार वो नहीं बीटीएस बीटीएस बोल बोल के मेरे पूरे दिमाग खराब हो रहे क्या है ये व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल ब्रो वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल अरुणाचल में क्या लड़का का कहीं ये मैनली नहीं है यार इतना हैंडसम हैंडसम लड़का इतना ब्रांडेड ब्रांडेड लड़का ब्रांडेड लड़का ब्रांडेड ब्रांडेड बाहर देश का चाहिए ना तुम लोग को क्या है ये यार बाहर देश का पूरा सेकंड है नहीं तुम क्यों नहीं दिख रहे हो पूरा सेकंड है ना ब्रांडेड है हम ब्रांडेड हमको खुद भी बीटीएस दिख रहा है हम में क्या अरुणाचल में हैंडसम का कमी है हमको देखो अरुणाचल में लड़का लोग अरुणाचल में उसको छोड़ के वो लोग को बीटीएस चाहिए बीटीएस व्हाट इज बीटीएस यार दिस इज रियली वेरी अनसेफ नहीं नहीं ये बहुत सीरियस है पूरा बाहर देश का लड़की लोग लड़का लोग को लाइन मारेगा हम लोग कौन लाइन मारेगा बराबर हम के कुआरा मोरो कुआरा मोरो बोले तो कुआरा मारना नहीं चाहते यार इस मत करो प्लीज दिल से बीटीएस वाले ने तर वैता गान लाए अरे हाँ रे मेरे को नहीं आया वैता कभी लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक रीमेक भी है रे नहीं 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 ये ना को इसको म्यूट पे देख सकते संजू पकड़ संजू पकड़ मोहे मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ संजू मोहे पकड़ संजू छोड़ूंगा नहीं तुझे मोहे पकड़ मोहे बोलता हूँ संजू पकड़ मोहे रुक जा टाइटैनिक चल रहा है इनका अलग टाइटैनिक इनका रन करना पड़ा म्यूजिक सुना टाइटैनिक का बैकग्राउंड में जिंदगी में नहीं चढ़ूंगा कभी इस पे मैं अभी इस पे बैठने से डरता है तुम में से कोई नहीं मुझे तो मजा आता है रोलर कोस्टर वगैरह चलो ये क्या है ये इतना बड़ा देखना है क्या ना को बेकार होगा वो विक्की रणबीर सलमान पुराना मीम हो गया ये बिजली गाने की पर ओपी डांसेस का बेटी बुढ़ी आएगा सचैन की तेरे भी जल्दी आका कैन तब पार्टी होने को टैन तब डर गई को वही बैठाया अरे हार्पिक का आड़ क्यों चल रहा है इसमें बेटी बुढ़ी आएगा सचैन की तेरे भी जल्दी आका एयो अरे भाई ये बहुत बुरा पेज है रे ए गाइस कुछ ना कोई फनी वीडियो कुछ पता होगा मीम का पेज तुम बता सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं यहाँ पे देख लूंगा और क्या था यार अच्छा अच्छा लगा जो तुमको भी देखने में मजा है
I got so much motherfucking vagina on right now. Psych! That's the wrong number! I'm being baja, I got not blue. इको फ्रेंडली फटाके ये अलग इको फ्रेंडली फटाके चल रहे हैं ये काफी रियल लग रहे हैं चाय क्यों बेच रहे हो ये बहुत सही है भाई कई बार भाई बताइए बताओ बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय क्यों बेच रहे हो बेच रहे हो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सही था बहुत सही था ये मेरा फेवरेट है अंकल नमस्ते चलो काम अंकल नमस्ते चलो काम की बात करते हैं आपकी महीने में कितना मैंने पहले उड़ाती है दो दिन मेरी लड़की पहले में कमाती है चलो अंकल बाय नमस्ते चलो काम की बात करते हैं मैं तुम्हारी बेटी कितने में उड़ाती है उतने पहले मेरी गाड़ी तेल खाती है का चलो कितना भाव आ गया है रेट में उतने में लड़की जुई हमारी अंकल बाय नमस्ते चलो काम की बात करते हैं भाई उसके पापा से बात करने होता एक्सपेक्टेशन हनी सिंह के एंड रियलिटी ये होती है स्वरूप तू ज्वाइन कर सकता है स्वरूप पापा मीम रिव्यू करेंगे तो ज्वाइन कर ले आजा हाँ उसको बोल बुला लो उसको क्या करेगा उसका आना। वो लगा सकते हैं ना अपन कौन सा नासा वाले हेलो हेलो हाय हाउ डू डू हाँ क्या है उसका नाम पता नहीं यार वेरी डेंजरस डाल तो वो आ जाएगा ना यस 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 हेलो हाय थैंक यू फॉर सेंड वीडियो You like me, I am like you. Okay, bye-bye, take... Hello, hi, how are you? Why? What is this? Wow. Wow! Very super duper! Hey, how do you do? Why? What is this? Why? What? Why? Why? एकदम फ्रेंच कन्वर्सेशन हो रहा है टीम प्लस है क्या लो नहीं रे नॉर्मल डांस हो रहा है बे तू कैमरा चालू कर लेना अच्छा नहीं दिखता मानो कर कर ये तुम दोनों कैमरा ऑन कर लो हेलो 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 स्वरूप हाय रोशनी हैप्पी वुमेन्स डे बाय द वे टू बी लेटेड थैंक यू अरे हारे 5 मिनट लेट हो गया भाई हां ना रे तो टाइम ही नहीं दिया तुमने तुम्हारा अलग ही चालू लेवल मेला देखने का बोले मेला कुछ और मिला नहीं क्या देखने को अरे अच्छा है वो क्रिंज देखना तो अच्छा है सिनु कैमरा ऑन कर सिनु का सिनु का जी हाँ स्वरूप क्या हाल है कुछ नहीं भाई गाइस अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये स्वरूप कुंडलवाल भाई है ये अपने बहुत ही खास दोस्त है इनका जो है एक अपना खुद का कंस्ट्रक्शन लाइन है ये एक आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं ये आर्किटेक्ट भी है ये खुद ही डिजाइनर है ये खुद ही डेवलपर है वन इन माय क्या बोलते
मेनी इन वन पर्सनालिटी है तो स्वरूप भाई बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रीम पे, प्लीज सबको हाय बोलो दो स्ट्रीम पे। हाय गाइस धन्यवाद। यस तो आज भाऊ एवढी इज्जत आजम ने हो रही है ले लेना रे नासा वाले बहुत खतरनाक है देखने लो इसके बाद अपन। ये हाउ डू डू व्हाई व्हाट दिस ओह वेरी डेंजरस आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ओपी इंग्लिश ओपी इंग्लिश कैसा देख रहा उसको ओह माय जॉर्ड वे ओ तेरे बाबा सौरभ भी उसके जितने इंटरेस्टेड वीडियो में सौरभ भी उतने वे हेलो हाय हाउ आर यू व्हाई व्हाट इज दिस वाओ वाओ भाई कौन है हेलो फ्रेंड फ्रेंड टेक केयर माय फ्रेंड वाओ हेलो हाय हाउ डू यू टेक केयर बैक साइड नो अंडरस्टैंड वाओ वेरी अमेजिंग व्हाट्स अप गाइस इसका भी हेलो हाय हाउ आर यू हाउ डू यू नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त 2018 को नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और सभी को बोला हम इससे सूरज की सतह का छूकर देखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जिस समय स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो रहा था उस समय नासा के वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक डब्बा रख दिया था। उस डब्बे में सीरियसनेस हुई थी। वैज्ञानिक देखना चाहते थे सूरज बीड़ी को जला पाता है या नहीं। जब सूरज के ऊपरी एटमोस्फियर कोरोना में पहुंचा तो कुदरती बीड़ी जल गई और नासा ने बीड़ी मिशन में सफल होकर इतिहास रच के रख दिया। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त बहुत खतरनाक सब बदल गया सब कुछ। तू सारा चेक कर ऊपर से नीचे और ड्रेसिंग से लेकर एक गाना ये किस पसंद बस चलने लगे चाचा चाची जलने लगे ने बस और ने बस की वजह से लगते मेरे लौड़े कुछ नहीं कर बदल दे बाबा नासा वाले बहुत खतरनाक हैं नौकर बाबा यार स्टैंड के गाने लगाने नहीं चाहिए यार लाइन पे सारे 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 गाइस माफ कर दो सारे 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 तौबा 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 सारा मूड खराब हो गया तौबा 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं देखा बदल गया सब कुछ कुछ नहीं बाय 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 ये उम्मीद नहीं थी तेरे साथ। अरे अचानक से मुझे तो होने चाहिए बोलना वैसे और स्टैंड से बट हो गया सारे रे माफ कर दो कैसा हो मालूम नहीं कि तेको कभी भी चट के आ जा तो बहुत बेकार है बहुत बेकार है वो हिंदू नहीं बाकी बच्चे देर मारा मारी कर रहे जब ऑप्शन ले रहे ये है हम क्रिंज मीम्स भी लगा सकते हैं रील्स पे रील्स वाले अरे हाँ हम ये कर सकते हैं ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो जितने सीरियसली करते हैं उतना मजाक उड़ाते हैं उनका हाँ नहीं रुको क्रिंज सर्च ही मत करो इस पे ना ये डालने का मैं बोलता हूँ देखो एटीट्यूड वीडियोस नहीं रोमांटिक टिकटॉक्स आप देखो वीडियोस कैसे आएंगे एकदम अभी क्रिंज का है लेवल देख लो बस आप सेकंड वाले में सर है का ये लगाने का ये नहीं ये तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ये नहीं रे हॉलीवुड के नहीं रे हिंदी चाहिए आपको मराठी करो सर मराठी करते रील्स करो मेरे हिसाब से तो माइक पास ले अरे वो वाले क्यों नहीं मिल रहे तो फिर उसके लिए ऐसा डालना पड़ेगा मराठी बेटा कौन देते हो एटीट्यूड हाँ रील्स आप देखो गम्मत यस यस मैं देखो इनका ये देखो यहाँ खड़े रहेंगे हंसनारा सुखी नहीं है रडनारा दुखी नहीं है गर्दन देखना उनके रे गर्दन देखो थोड़ी आने वर्ष हां अच्छा केला ना अच्छा केला ना ऐसी कहानी है पर देखो एटीट्यूड खानदानी है धक्का मार के खानदानी एटीट्यूड बस थोड़ी केला नाही केवडी सी ती
महाराष्ट्राचा वाटा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हाच आमचा बायोडेटा. तुम्ही ज्यांना शेट म्हणता ना ते आम्हाला दादा म्हणतात. लहानपणी तर 100 वेळेस पाळण्यातून पडायची, आता म्हणती काय. व्हॅलेंटाईनला बाहेर घेऊन जाणारा नाही, लग्न करून जेजुरीला घेऊन जाणार. इसको पता है क्या? सुनो क्या कहने का, सो गर्लफ्रेंड बनाने का ठीक है, शादी को 5 साल लगाने के और हर वैलेंटाइन ना उसको थर्ड देने की. थर्ड काय को देने की, कशाला अपन जेजुरीला जाणार आहे ना, जेजुरीला जाणार उसको बुड्ढी कर देने का 30-35. समझ रहे हो, आज की गर्लफ्रेंड उड़ा दो, इसको बैन कर दो, खत्म कर दो, आज का सीन खत्म, सब खत्म, डायरेक्ट स्किप कर दो आज को, गया तो आज. मराठी मध्ये उखाने भेटतील फक्त. हॅलो पूजा मॅम किधर आहे? अरे पूजा मॅम का फोल्डेड हो गया अज्जो, ये लगा दू क्या, बोल. फुल वार्ड आता, बढ़िया रे, मेरा बहुत पसंद का पिक्चर है, मुझे बहुत पसंद है. अरे मैं वही देख रहा था, तेरे का क्वीन जमा है ना अभी अंदर. यार ये महीना बिना आठवारी जरा चांगलं काहीतरी लावा, थोडा और क्रिंज नाही मिळ सकता म्हणजे जाऊ ना फेब्रुवारी. हे सगळे हे सगळे ये कर सकते, ये कर सकते, हे मेरा फेवरेट है ना, सगळ्यांचे मुंबईचे ते सगळे वाटत. सूरज चौहान नाही वो, चव्हाण आहे वो. यस यस, अरे अरे तुझे देखा तुझे जानम, प्यार होता है तो जाना सनम. किरण किरण के लिए गा रहा हूं, ला 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 ला, जल क्यों यार. अपन ने अभी बात की शक्ल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इनर ब्यूटी वगैरह वगैरह. मैं इस बंदे के बारे में बात बताना चाहूंगा सच में, इस बारे में एक बात, अगर तुम नोटिस करोगे ना इसकी, तो देखो वो दिखने में ना जैसा भी रहने दो, उसको ना एक बार भी ऐसा लगता नहीं कि मैं बुरा दिखता हूँ या मैं ऐसा आगली हूँ क्या, कॉन्फिडेंस कितना उसमें बंदा है फिर. और लड़कियां कितनी उसके पास देखे तुम लोगों ने भाई, कॉन्फिडेंट तो है फिर. लड़कियां इधर से जाती है उधर, मुंबई से पुणे से उसके पास वीडियो बनवाने. फिर लुल्लाल से गया, लुल्ला के गया तो चाहता, लुल्ला के गई इसको दिला. प्यारा तो है यार, सिर्फ क्यूट नहीं है लड़का, क्यूट है, क्यूट है ना यार, सौरभ क्यूट नहीं कर रही है भाई, ये तरफ देख भी नहीं रहा, मैं तो देख भी नहीं रहा मोबाइल चार्ज. यार मुझे तो अच्छा लगता है, क्या जाओ तुम, तुमको ना क्या टैलेंट की कदर नहीं. क्या बोला, हेलो कुछ बोला क्या तुमने, कदर नहीं तुमको रे टैलेंट की. और तुम मोबाइल में देखना क्या है के इधर. नहीं सर जी, मैं आपकी अभी बोलता था मैं, फिर तू इधर मेरे मार कर रहा है तो जो भी हो कुछ ही मत कर, अभी जरूरत नहीं. नहीं मैं क्या कर रहा मानू, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, बोलना बोलना बाद में मैसेज वो क्या एडिटर कट कर दे. कट नागपुर से सिंचन नहीं रही, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना. दिल में हो तुम मैं मैं कॉन्क्रीट दे दो, मैं दिखा था बहुत कुछ देखो कैसे. ला 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 ला, कब तक जवानी तू पाओगे लानी, कब तक जवानी तू पाओगे लानी, मुझसे शादी करोगी डीजे सौरभ, डीजे सौरभ मुझसे शादी करोगी डीजे सौरभ, आनी के आनी के प्रेमी आशिक आवाला, प्रेमी आशिक आवाला, तंबाकू काढून बोल रे नाही जमलं, तंबाकू काढून बोल रे सिनियर लोक देख रे मेसेज आहे लिटरली, काय चालू लागला
सब देख रहे ना अभी आराम से नागपुर का रोड इज लगा वहां से पकड़ लो गालियां नहीं है ना गाइस गालियां नहीं चाहिए अपने को नहीं मैंने बोला उनको मुझे मैसेज आया एक अंकल का क्या बोले वो क्या है बोले क्या नहीं तो पूछ रहे थे तो तुमको कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो लगन से ओके अभी तो अपन टाइम पास कर रहे हैं कॉपीराइट आएगा इस पे एक प्रॉपर वीडियो है रे ये नहीं लगा सकते अपन ये नहीं एक्चुअली लगा नहीं सकते अपन क्योंकि ये एक प्रॉपर किसी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और चैनल की तो इसको अपन नहीं ये कर सकते कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस हो गया कुछ ऐसा तो फिर वो बोल लो जो जरा अच्छा वाला सैनिक अच्छे वीडियो ला हां सैनिक अच्छे कॉमेडी बनाते क्या वो एक ट्रेंड है कॉपीराइट कॉमेडी बनाते क्या वो नहीं नहीं कॉमेडी नहीं है कुछ कुछ कॉमेडी कुछ कुछ नहीं ये है क्या सैनिक एक मिनट में और राजू बस क्या बोलती पब्लिक बोले तो तकलीफ है रे आज तो ए मेरे कितना आज... टाइम हो रहे ए स्वरूप जरा चेक करो तो स्ट्रीम कितने घंटे चल रही है इसके बाद तो वैलोरेंट होने वाला थोड़ा सा लिटिल बिट मतलब ये ऐसे दुखती ना इसमें पैर देने के ऐसे काम है सारे 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 जान दे भाई ठीक भाई हम खेलने वाले तो देखना हम खेलने वाले तो देखना सानिका के ओके अज्जू 2.37 अच्छा 2.37 आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला ये तो आपको टाइटल से एक कॉपीराइट आ जाएगा ना रे नहीं आ जाएगा जो उसके फॉलोअर्स ज्यादा है कोई ना नहीं फॉलोअर्स की बात नहीं है अगर 10 भी फॉलोअर्स है तो भी कॉपीराइट आएगा क्योंकि उसका कंटेंट वीडियो है ना बस लाइक कर दो डिस्कॉर्ड में रिव्यूज करना करने वाला एक छोटा डिस्कॉर्ड का मेम रिव्यू करूं ना तो तुम्हारा ये नहीं होगा क्या बोलते हैं इनका कोई तो भी वीडियो लाइक कर देते ना अपन अभी आएंगे तो इनके चैनल पे सब्सक्राइब कर देते हैं ना आज आहे 18 फेब्रुवारी आणि मी आले चलो उनके हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गए सब्सक्राइब भी कर देंगे चलो बढ़िया सब कितने हो गए अरे एक सब्सक्राइबर से क्या होगा ये तो ऑलरेडी 4.76 है चिमकांडियन के वीडियो लगाओ फुल कॉमेडी शॉर्ट वीडियो है चिमकांडी ए चिमकांडियन कौन है बे वो पतला सा लड़का नहीं है क्या ठीक है अरे ये चुभती जलती गर्मी ये भी कॉपीराइट लगेगा गाना क्या लिखा प्रूव दिस इज अ ट्रायंगल अरे जो जो ट्रायंगल ही तो है जो जो और बेबी पास करा दूं फोन घुमा तेरी प्रिंसिपल भी बेबी यो यो की फैन है कैंडी पेपर कर लो पेपर क्वेश्चन नंबर वन बहुत हार्ड क्वेश्चन नंबर टू बहुत हार्ड नहीं रफ्तार को नहीं दूंगा समझ में आया क्या शोर मत मचाओ जिसको चीटिंग करनी नहीं आती उससे भी करवाएंगे समझ में आया क्या इश्यो बोए बादशाह कर लो रहम थोड़ा भाई तू फर्रे से चीटिंग कर रहा है रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है तेरी बंदी मेरी तुम्हें मेरा साला और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जला और अरे इसको देखता हूँ मैं अच्छा कॉमेडी करता है लड़का यार अपने पास ना उस अभी ये नहीं क्या बोलते अभी अपने को एकदम क्या बोलते शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस होना ना एकदम ऐसे फास्ट अफेक्टिंग वाले वो बहुत टाइम लेगा बड़ा बड़ा वीडियो लेके ओके तो गाइज और कोई मीम्स बचे क्या आपने क्योंकि तुम लोग के रिव्यू कर लूँगा मैं लेकिन फिर स्वरूप सीनो और रोशनी का तुमको ये नहीं दिखेगा रिएक्शन उस पर थोड़ी देर इसको बंद कर देता हूँ तुम लोगों से बातें करता हूँ तो फिर कैसा लगा तुम लोग को बताओ ना फिर अच्छा एक्सपीरियंस कैसा था सीनू पहले आप बताओ बहुत अच्छा था बहुत मस्त लगा थैंक यू रोशनी आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा पहली बार ऐसे स्ट्रीम पे आए अच्छा लगा मजा आया और सबको एक बात कहना चाहूंगी बी योरसेल्फ और अपना बेस्ट दीजिए कहीं भी और थैंक यू यस और सरूप सर आप उन तो इधर ही पढ़ लेंगे तेरे बाबा
अपने को पूछते ही नहीं अपने चैनल है क्या ये अपना ही अपन नहीं जाते किधर इधर ही जा अपन स्क्रीन कभी कभी चेंज होती कभी खुद की रहती है कभी तेरे स्क्रीन हाँ पूजा मैम बहुत कॉमेडी लग रही है अरे हाँ रे बट उनको जाना पड़ा एक्चुअली उनका इंटरनेट नहीं काम कर रहा था तो उनको जाना पड़ा तो सोनू भाई यार मेरे को देख रहा है कंटेनर में इशारा भी कैसे करूं मैं बोल तो मैं जा रहा गुड नाइट सब कूपर से डालो जाना अरे यार सोच रहा था मस्त वैलोरेंट खेलते थे मेरा मेरा इतना इतना बोरा करना ये देखो देखो सौरभ का गेमिंग सेटअप देखो रे गाइस नहीं नहीं देख लो एक सेकंड एक मिनट माउस पैड देखो देख। रेजर अबे वो इंजीनियरिंग का भाई और क्या हालत हालत देखनी है देखो मेरी हालत इतनी बुरी हालत है मेरी भाई कतई पिक्चर देख वो तीन चार हीरो डबल रोल है उसमें अनिल कपूर विरासत कह रहे हो पिक्चर कौन सा है आज जो तो एक तो ऐसे पिक्चरों के नाम वाले अरे नहीं रे फेमस पिक्चर देखिए मैं सुधे मुझे जवान नाम फेमस पिक्चर रुक अनिल कपूर है रजनीकांत उसमें मम्मी बनके सुदावत कमी कर माजा सुदावत माजा रे कमी करो ठीक ठीक अरे सब शांत क्यों कुछ तो बोलो मम्मी बनली ना आवाज कमी करा तो सही शांत बस माझी मम्मी पण एकदा येऊन गेली मला बोलली रे बाबा मला बोल मम्मीला सांग मम्मी तू असं बोललं सगळे आवाज ना बिजनेस में गायब हो जा रहे सुनो का इसका मेरा सुनो का ना माइक के पास नहीं देगा तो पैसा हां हां मुझे लगता है फिर अभी मतलब स्ट्रीम में बंद कर दूंगा अभी खेलने का तो कुछ ये है नहीं शायद विषय क्योंकि क्या है अब किसी किसी के पास तो ए आ जाऊंगा रे मैं चला कब आने का बोल अजी बाबा अरे माइकल भाई मजा आ रहा है ना अरे इसको शुरुआत से इतना कॉमेडी मतलब रख सकते थे अपन इतना फन के साथ बट कैसा है ना कुछ मतलब देखो वो दिन की ना स्पेशलिटी रहती है कि नहीं तो अपने को कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों को भी मतलब ये करना पड़ता ना फोकस करना पड़ता है तो ऐसा ऐसा तो कितना रात भर करवा लो फिर सोनू तो तीसरे डायमेंशन में देख रख क्या अरे नहीं मैं वो ग्राफिक कार्ड का कर रहा था हुआ कह रहे एडवांटेज कैसा लेना नाम इसमें तो बहुत मीम बनाएंगे मालूम है कि बच्चा अगर उनका हाथ में क्लिप लग गई तो सिर्फ तेरा कॉपी करके बना दे इंजॉय एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम रोहित्स क्लास मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ सर पापा का कंप्यूटर मेरे को तो मेरी मम्मी ने बाहर निकल दिया और मुझे बहुत मच्छर काट रहे अरे माइकल भाई अंदर बैठो अभी थोड़ा आराम से करेंगे इतना नहीं होगा आप अपन ना किसी को बताएंगे नहीं कौन मेन स्क्रीन पे ठीक है अपन रैंडमली किसी को मेन स्क्रीन पे ले लेंगे फिर उसके एक्सप्रेशंस देखेंगे अब मैं चेंज कर रहा हूँ ठीक है हाँ स्क्रीन चेंज हो गई अब आप सब ठीक से बैठेंगे कैसे हो रहा क्या है तुम लोगों को देखो स्ट्रीम पे फैन फैन दिखा रहा है फैन फांस घूम रहा था सौरभ का स्ट्रीम पे आते साथ
कितने के स्पीड से घूम रहा है स्वरूप का फैन? कितने स्वरूप, तेरे को कितने होना पूछेगा वो? कुछ तो भी याद है शांत, इसलिए मैंने बोला. मुझे भी पता है क्या हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को आज तुमने देखा ना उतने लोग तुमको वैलोरेंट में रोज दिखे गेम खेलते हुए. हमारी कोशिश जारी है, पुलिस पता लगा रही है, अगर एक बार वो लग गया तो हम सब आ जाएंगे. ठीक है, सब स्ट्रीम पे देखने को मिलेंगे तुमको, और मैं किसी को भी रैंडमली ये कर दूंगा. अरे स्वरूप ने कर दिया सच में, अरे कर दिया इसने, अरे भाव ने मनावर घेतलं होतं बाबा यार, इसने सच में कर दिया. पता ये देख, ये नहीं हो रहा सर, ये कुछ तो गलत लगी बोल रहा है. एक मिनट रुका, क्या है ये आदेश है? अरे कुछ तो भी आदेश हो रहा है, स्वरूप को बंद कर दे, कैंसिल कर दो. वहां वो देखो, देखो बोला ना अनदर इंस्टॉलेशन इज रनिंग, फिनिश कर दो. मैं सर रैंडमली किसी को भी बड़ा बड़ी स्क्रीन पे ला लूंगा तो सब दिखेगा फिर. अरे पानी में नहीं पी सकते रे तुम लोग. वांदे करू छोले तुम्हें वांदे. चलो ठीक है, मैं अभी किस में अपने आपको बड़ा करता बस. स्वरूप स्ट्रीम नहीं देख रहा क्या? मेरे को चुंगा उसने डाले वाला, वो कितना आ रहा है मेरे को मालूम नहीं क्या. I'm so excited. ए तुम लोग excited हो कि नहीं साथ में खेलने के लिए गेम? बहुत ज्यादा. Nvidia Instagram 20. मैं देखो ढंग से अगर तू पढ़ेगा ना तो तेरे को बोल रहा है कि another installation is running. ऋतिक रोशन मत बनो. बता ए स्वरूप खड़ा हो जा, जल्दी बैठ कैसे रहा? हां एक ऐसे स्टेप उसकी एक बार देख ले क्या? क्या देख 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 सकते हैं? हां देख देख ले यार, एक ही बार देखने को मिलेगा फिर वही चाल रखना. वही जिंदगी भर वही डांस करना हर स्टाइल, हर ला शादी में, हर ब्याह में, हर 13वें पे. ए 13वें पे नहीं सॉरी. ए भाई कुछ भी नहीं रे, इतने जल्दी नहीं ले. एक दो चार से घूमने का. लेकिन स्वरूप तेरे से स्कैम हो गया पता है क्या? तेरे से बहुत बड़ा स्कैम हो गया. क्या हुआ? धोखा हो गया तेरे को, धोखा.
स्वरूप अकेला रिकॉर्ड हुआ स्ट्रीम पे बड़े स्क्रीन पे, मैं कोने में नाच रहा था आराम से। नाइस नाइस, अच्छा किया स्वरूप ने, अच्छा किया ना। तेरे बच्चे के साथ होते रहता कर रहे यार तुम। अरे यार चलो आते राउंड राउंड झटके लगता है कहला कोनाला अगर मेरा बदाम रिवील होया तो आज का एकदम टॉप पे चला गया, दैन में मत चलो भाई। नहीं नहीं फिर ठीक है, उसके लिए मैंने रिवील कर दिया बस। कत्ता जोड़ वे तेरा भाई जोड़, बीइंग ह्यूमन बन रहा है आज। अरे हां रे सलमान खान ने देख रहा है स्वरूप, मैं तो वही बोलने वाली थी ना, ऋतिक रोशन इधर सलमान खान है। यस नहीं अरे बाबा स्वरूप बहुत भारी नाचा भैया डांस तो है उसका, बहुत भारी डांस है। नहीं वो किया ना भाई आने पर, नहीं नहीं लो पर निकलेगा। अच्छा सुन, तेरे हजार के जिस दिन होंगे ना उस दिन तेरे भाई का एक डांस होगा बस। अभी ये खत्म तुम्हारे हाथ में, अब यार कब हजार करवाने, कितने रुकने वाले रे अपन यार, 600-700 में तरह चलो रे, जरा आगे बढ़ते, हजार तो होना चाहिए। काठियावाड़ी स्वरूप बोले कमाटी पूरा रे बाबा, काठियावाड़ी में ढोलीड़ा ढोलीड़ा स्टार्ट कर देगा तो घर बैठ करेगा अभी हजार के पे। ए नहीं स्वरूप वन के पे ना तू ये करेगा वो हाई गर्मी की हुक स्टेप। हां हां यहां मैं पूरी जगह कर दूंगा तेरे लिए। हाय गर्मी कैसा करेगा तू करेगा, देखो वीडियो होना क्या, देखो वीडियो होना क्या, सीधो से ले ले सर को बस पूरा वीडियो। हाय गर्मी का, हाय गर्मी, अरे क्या बात है, स्वरूप का ना, स्वरूप स्वरूप का चाहिए चाहिए चाहिए, मेरे को भेज दो मेरे को भेज दो। अरे गाइस तुमको पता है क्या, आज की स्ट्रीम ना मैंने बहुत मतलब ऐसे क्या सोचा था कि हम जैसे रोज आते हैं गेम खेलते गेम खेलेंगे और कुछ स्पेशल नहीं करेंगे बस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने को ना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्लान करना पड़ता है। हम लोगों ने लिटरल आखिरी के 10 मिनट में डिसाइड किया, क्या बोलते हो रे, और हम सब जमा हो गए, सब आ गए, बहुत अच्छा लगा। जमा हो गए जमा हो गए जमा हो गए सब आ गए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को तुम लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाल गए, क्योंकि सब लोग बिजी गए पता है क्या, सबका कुछ ना कुछ चलते रहता है दिन में रात में, तो बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं लोग, बस फिर आज मेरे लिए टाइम निकालना है इसके लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को आज। हाँ ओवर एक्टिंग का 150 रुपया कट, ठीक। सबसे बड़ा नल्ला बेरोजगार स्वरूप है मालूम है क्या सब में, वो मेरे को कब से बोल रहा था अज्जू कब आओ कब आओ, इसको मैंने फिर फाइनली बोला स्वरूप सब चलेगा आ सकता, ये रियलिटी इसके पीछे की। दिस इज सिंपल सब बड़ा सब सब तो है। हां पेशेंस तो है, हां पेशेंस है सच में रे, पेशेंस तो है सर। हाँ अभी तक उसके पीछे है ए स्वरूप, तुम लोग को भी जल्दी उठना पड़ेगा कल, मेरा तो 6 का टाइम है सुबह का, तो मुझे भी यस हमारा गर्ल्स गेमिंग सेटअप रेडी होगा कल सुबह। मैं तो 6-7 बजे उठ जाता हूँ रोज सुबह, तो मेरे को तो इतना क्या उसका ध्यान नहीं रे किसका, एक बार दो बार मेरे उठने का टाइम बोला उसने अभी तक रिएक्ट नहीं करा उससे। तो बस गाइस अभी सीरियस नोट पे थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए, आज का जो स्पेशल दिन था वुमेन्स डे वो अपन ने साथ में सेलिब्रेट किया, सब लोग आए थे जितने भी आए थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आज तुम्हारे साथ बातें करके, तुम्हारे साथ तो मतलब एक Q&A सेशन करके मीम सेशन करके, और फिर से लास्ट बट नॉट द लिस्ट थैंक यू सो मच टू द लेडीज इन द हाउस मिस रोशनी भामरे एंड मिस स्निग्धा मित्रे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए अपना टाइम देने के लिए हमें, तो बस कोशिश रहेगी कि अभी हम क्यूट
सो मच कि तूने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया यार। अरे तुम डिजर्व करते हो भाई, तुम लोग हो, तुमने कुछ अचीव किया इतने कम उम्र में, तो तुम लोग को तो बुलाना बनता है। आज दोपहर 12 तेरे पेरेंट्स आए थे, सोया है बोले अज्जू। 12 तेरे पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स आए, इनसे मिले दोपहर को 12 बजे और बोल रहे अज्जू सो रहा है। अच्छा, रिवील, नींद रिवील हो गई मेरी। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अभी है क्या बोलते हैं, हम धमाका प्लान कर रहे हैं हम चारों मिलके, बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना और बस ऐसे प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ, धुआँ में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया गोपिया मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया गोपिया। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाओ, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाओ। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया ओ पिया मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया ओ पिया। मैं फिल्म तेरी हम न रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया ओ पिया मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया। Oh,